बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन और हज़रात। ए जज़्बा दिल, अगर मैं चाहूँ और सामने मंजिल आ जाए, ए जज़्बा दिल अगर मैं चाहूँ और सामने मंजिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए, ए जज़्बा दिल अगर मैं चाहूँ। ख़वातीन और हज़रात, सिर्फ़ ये जो जज्बा है, अगर ये हमें बेदार हो, अगर ये जो जज्बा है अगर ये हमें हर वक्त बेदार रहे, तो ये एक ऐसी कौम है जिसने इस दुनिया का नक्शा बदल दिया था। ये एक ऐसी कौम है जो आज तक अपने पैरों पे खड़ी है। ये एक ऐसी कौम है जिसने अपने दिफा के लिए वो सारी चीज़ें बना ली और इजाद कर ली कि हमेशा कायम और दायम रहे। ख़वातीन और हज़रात, वेकअप पाकिस्तान की ट्रांसमिशन लेके आपके सामने मैं हूँ असफ़र रहमान, हाजिर हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये बेदारी आज पूरी कौम तक पहुंचे, आज हर बच्चा बच्चा जाग जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1947 में सब जागे थे और अपने लिए खूबसूरत मुल्क क्रिएट किया था। अल्लाह ताला का हमेशा से बड़ा रहम रहा है, बड़ा करम रहा है हम पाकिस्तानियों पे, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। लेकिन जहां रहम होता है वहाँ आजमाइश आती है, और जब आजमाइश आती है ख़वातीन और हज़रात, तो यकजा होने का वक्त आता है, और जब आप यकजा हो जाते हैं तो आप एक मुक्का बन जाते हैं, एक फोर्स बन जाते हैं, आपको फिर कोई हरा नहीं सकता। मेरे बहन, मेरे भाइयों, आप सब हमारी ज़िंदगी का बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे जिस्म के हिस्से होते हैं। जिस तरह हम अपनी किसी भी माजूरी के बाद अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं गुजार सकते, इसी तरह अगर आप में से कोई नहीं होगा या हम में से कोई नहीं होगा, तो आपकी और हमारी ज़िंदगी वैसे नहीं चलेगी जैसे चलती आई है। लेकिन अफसोस के साथ आंखें भर आती हैं, दिल टूट जाता है जब हम वो मनाजिर देखते हैं कि इस खूबसूरत मुल्क में क्या क़यामत बरपा हो रही है, नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या हो रहा है, चलो नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या हो रहा है, तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो फिर सिंध के इलाकों में क्या हो रहा है, पंजाब का क्या हाल है, वो फसलें कहाँ गई जो लहलाती थी तो हम उनके बारे में अशार पढ़ते थे, उनको गानों में शूट करते थे, वो मवेशी जिनकी वजह से ये एग्रीकल्चर चलता था, वो मासूम बच्चे जिनको हम कहते थे ये तो मुल्क का सासा है, ये तो आने वाला पाकिस्तान है, ख़वातीन और हज़रात, 75% ये मुल्क ज़ेरे आब हो गया। वो लोग नहीं रहे, उनकी ज़िंदगियां बदल गई हैं, नॉट फॉर द बेटर। अब ये भी नहीं पता कि उनकी ज़िंदगियां दोबारा कैसी होंगी। ख़वातीन और हज़रात, हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं, प्लान्स करते हैं। हम बड़े खुशकिस्मत है कि हम सोचते हैं कि हाँ यार माशाल्लाह दो बच्चे हैं, बस उनके स्कूल की अब करनी है तगो दो, और इंशाल्लाह फिर उसको मैंने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। ये ख्वाब ही नहीं रहा, सोचें एक एक इन्यूमरेबल, एक नंबर ही नहीं है कि कितने लोग अफेक्ट हुए हैं। इतने ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए हैं, पूरी दुनिया की नज़रें आज पाकिस्तान पर हैं, हर मुल्क से, हर इदारे से अतियात आ रहे हैं, लोग हमारी मदद को हैं। लेकिन कसम खुदा की जब मैं सोचता हूँ तो सर शर्म से झुक जाता है कि हम लोगों में से ही हमारी बहन भाई हैं जो कि ये ट्रक लूट रहे हैं, जो कि अतियात भरे जा रहे हैं, हमारी बहन भाई हैं जो ज़खीरांदोज़ी करके बैठे हैं, हमारे ही बहन भाई हैं जिन्होंने अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी हैं। मतलब हम तो मुसलमान हैं, ये तो हमारे मज़हब का हिस्सा नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो सिखाया गया है पाकिस्तानी, द लैंड ऑफ प्योर। क्या आप पाक हैं? क्या आप ये हेरा फेरी करके, ज़खीरा अंदोजी करके उन मासूमों का हक मार के उन तक अद्वियात ना पहुंचा के आपको क्या लगता है आप एक मुसलमान हैं? आपको क्या लगता है आपकी बख्शिश हो जाएगी? आपको क्या लगता है ये आजमाइश आपकी औलादों पे नहीं आएगी? आपको क्या लगता है कल आप सुकून की नींद सोएंगे? लेकिन हमें से बहुत सारे बहन भाई हमारी आवाज़ सुन के कहेंगे अरे कुछ नहीं होता। बहुत कुछ होता है ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को अपना मवाज़ना आज करना है। वेकअप पाकिस्तान एक ट्रांसमिशन है, एक TV1 का इनिशिएटिव है जो कि आप News1 वसेप पे भी देख सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जागिए और आगे बढ़िए और पाकिस्तानी बहन भाइयों का साथ दीजिए। हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत लाइनअप है हमारे मेहमानों का, जो कि आपसे अपने ख्यालात शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि अतियात किन इदारों तक किस तरह पहुँचाया जाए। हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही बाइज्जत नाम मौजूद है, राशिद फारूक के साथ। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे न्यूज़ वन के बहुत ही बाकमाल शख्सियत जवाद कमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम। और बहुत ही पुरकशिश शख्सियत और जाज़िब नज़र सना फैसल, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आज हम वेकअप सॉरी क्या कह रहे हैं जी, हमारी जो लाहौर स्टूडियोज़ हैं
वो भी हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं इस ट्रांसमिशन में। वहाँ पे भी बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं ख़वातीन रज़ा, जो कि हमें वक्तन फ़वक्तन ज्वाइन करते रहेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो कि PDM के प्रेसिडेंट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला वेकअप पाकिस्तान के लिए। ये जितनी भी बाइज़्ज़त शख्सियात हैं ख़वातीन रज़ा आज हमारे साथ होंगी और आप तक इनकी रसाई मुमकिन करना TV1 का हमेशा से एक इनिशिएटिव रहा है, ताकि आप बराह रास्त देख सकें और ये भी देख सकें कि पाकिस्तान में ये जो इदारे हैं, ये रिहैबिलिटेशन का, रेस्क्यू का, रिलीफ का जो प्रोसेस है, उसको कितनी तेज़ी से और कितने ज़बरदस्त तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। राशिद भाई, आपने देखे जो सारा ये जो कलामिटी आई है, ये जो अतियात का सिलसिला है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? यार, ये एक आफत अल्लाह की तरफ से आई, या इसका ये ग्लोबल वार्मिंग से कोई ताल्लुक है, या जैसा भी है, क्लाइमेट चेंज से जी, अब ये आ चुकी है और इससे हमने नबरो आजमा होना है। हम माजी में हम देखते हैं, जब भी हम पे इस तरह की कोई आफत आई है तो पूरी कौम एक साथ खड़ी होकर उस आफत का मुकाबला करती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इस आफत का भी मुकाबला करेंगे, और बिल्कुल हम अपने भाइयों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे वो आबाद थे दोबारा वैसे ही आबाद, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने वही कहा ना कि ये जो जज्बा है ना, सिर्फ ये जज्बा ही हमें चाहिए। सना, अभी आप एक टूर करके आई हैं बलूचिस्तान का, सिंध का, वहाँ आपने क्या एक्सपीरियंस किया? देखिए असफर, मैं सिंध भी गई हूँ, बलूचिस्तान भी गई हूँ, और मैं आपको क्या क्या बताऊँ कि मैंने वहाँ क्या क्या देखा है। मैंने देखा है कि किस तरीके से करप्शन भी हो रही है, मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है। मैं अगर आपको बताऊँ कि मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिन लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, उसमें मिडल मैन किस तरीके से करप्शन कर रहा है, यानी कि जिसका जहाँ मतलब आसरा लग रहा है वो दूसरे को काटने में कसर नहीं छोड़ रहा अभी इन हालात में, उसके अलावा देखिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे ना कि खैमों के प्राइस बढ़ा दिए गए, फिर हम बात कर रहे थे कि अद्वियात की शॉर्टेज हो गई, फिर हमने देखा कि बिस्किट्स महंगे कर दिए गए और ऐसी अशियाँ महंगी कर दी गई जिसे जो कह सकते हैं कि तैयार कुक फूड होता है, जंक फूड भी जिसे कह सकते हैं। लेकिन अब हमने ये देखा है कि ना सिर्फ जो है जो इमदादी पैकेजेस का भी ऐलान किया जा रहा है, जिस तरीके से इमदाद भी आ रही है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। मैंने ये भी देखा डट्टा में कि वहाँ पर जो ज़रूरतमंद था शायद वो कहीं पीछे खड़ा था और तमाम भिखारी हजरात आगे थे और वो मुतासरीन तक उनका माल नहीं पहुँचने दे रहे थे, लूटामारी का एक सिलसिला जारी था। मैंने कैंप्स में उन ख़वातीन को रोते हुए, सिसकते हुए और बिलकते हुए देखा। उन्होंने ये कहा कि मेरी जवान बच्चियाँ हैं, खाना तो जानवर को भी मिल जाता है, खाना तो सब खा लेते हैं, मुझे नहीं चाहिए खाना, मुझे शेल्टर चाहिए, मुझे सर छुपाने के लिए छत चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मेरी जवान बेटियां हैं, मुझे उनकी इज्जत की परवाह है। मैंने वो भी लोग देखे जब मैं आगे मूव हुई सजावल में, तो गांव में मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों के आधे आधे घर डूबे हुए हैं, लेकिन वो अपने घर छोड़ने को इसलिए तैयार नहीं है कि वो फिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। वो घर जहाँ पे वो रोज़ देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है, किसी घर की कोई दीवार गिर गई है, किसी की छत गिर गई है, जिसमें जानी नुकसान हो रहा है, वो ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ रहे तो ये जो सिर्फ जो सांसें चल रही हैं शायद ये भी रुक सकती हैं, लेकिन वो वहाँ से मूव नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। ना सिर्फ उनके पास खाने पीने की अशिया का फुकदान है, उनके पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है, बीमारियाँ वहाँ फूट चुकी हैं, अगर उस पर काबू नहीं पाया गया तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो वबा की सूरत हाल इख्तियार कर लेगी। उसके अलावा मैंने वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर जो लोग हैं, लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया है, हो ये रहा है कि जो इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं तो कराची से जी जनाब कश्तियाँ लेके जाई जा रही हैं, इमदाद के लिए नहीं, वो इसलिए कि हम अपने मुंह मांगे पैसे लेकर उनको वहाँ से वहाँ तक ट्रांसफ़र करेंगे। नकलो हमल का जो सिलसिला है ना, वो मुँह मांगे पैसों से किया जाएगा। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि कहाँ पर भूल चुक हो गई हमारी तरबियतों में, कहाँ भूल चुक हो गई। ये तो मुसलमानों का मुल्क था, ये तो वो मुल्क है जहाँ पे हमें दर्द दिल सिखाया जाता है, जहाँ पे बताया जाता है भाईचारा क्या है, जहाँ पे हुकूक़ ओल इबाद के बारे में बताया जाता है। और इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं? आखिरत की कोई फिक्र, आखिरत की फिक्र तो छोड़े, मुझे तो लगता है डर भी नहीं रहा। एक तो डर होता है ना, फिक्र तो उस वक्त होती है जब कोई चीज़ नज़दीक आ जाती है, एक डर भी नहीं रहा कि कल को होगा क्या, क्या आपकी औलाद नहीं है, क्या इतना पैसा कमा के क्या कब्रों में लेके जाना है? काश इन पैसों से कब्रों में भी उजाले हो जाते, काश इन पैसों से कब्रों के अंदर भी अपनी कोई एक नई जिंदगी आप शुरू कर सकते। पैसा तो कब्र में नहीं जा सकता ना, एक कागज का टुकड़ा है जो यहीं पे मिट्टी में मिल जाएगा आपकी तरह। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ये हम में से ही है, ये कह भी नहीं सकते कि ये वो लोग थे, ये लोग थे, तो हम में से ही है, हमारे ही लोग हैं।
और ये बड़े ही अफसोस की बात है, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ और मैं अच्छी तरह से मानता हूँ कि इन लोगों में वो फरिश्ता सिफत लोग भी मौजूद हैं जो कि आगे बढ़ेंगे, इन लोगों का रिहैबिलिटेशन करेंगे। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ खवातीन हज़रात, ये लोग पीछे नहीं हटेंगे और हमेशा आज तक देखा गया है, अजल से आखिर तक ये देखा जाएगा कि नेकी जीतेगी, अच्छाई जीतेगी और बदी को हमेशा मात होगी। लाहौर में बात करते हैं अशरफ निज़ामी साहब से। अशरफ साहब, आप देख रहे हैं कि जिस तरह अब लोगों का रिहैबिलिटेशन प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ, अभी तक रेस्क्यू ही चल रहा है, आपको किन बीमारियों के खदशात हैं, क्या क्या बीमारियां आपके ख्याल से फैल सकती हैं शहरों ब शहरों? शुक्रिया असगर। देखिए, मैं एक अभी जो सना कह रही थी कि जो मैंने देखा इस हवाले से, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें इहाता ज़रूर कर लेना चाहिए। जब तक हम तारीख नहीं जानते, जब तक हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं करते कि जिनकी वजह से ये मुसीबत आती है, और मुसीबतें ये मैं समझता हूँ एक नेचुरल डिज़ास्टर कैलमिटीज, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आपने देखा कि पहले भी ड्राउट था जो कि बलूचिस्तान के अंदर आया, फिर सैलाब आए 2010 का सैलाब हमें याद है कि जिसके अंदर जनूबी पंजाब, सिंध और केपी के बहुत से इलाके जो थे। फिर हमने ये भी देखा कि जब हमारे यहाँ जलजला आया 2005 के लिए, तो उस वक्त भी 80,000 हमारी जानों का नुकसान हुआ, हमारे बहन भाई बच्चे 80,000 हमारे अफराद थे, उन्होंने शहादत हासिल की, इसी तरह से आती रहती है। फिर इंटरनली डिस्प्लेस का भी आपने देखा कि जब केपी के अंदर ये एक्शंस हुए और सारी चीज़ों के साथ वो निकले। मैं जिस चीज़ को मानता हूँ अब्दुल सत्तार ईदी साहब के लिए, मतलब मौलाना वैदुल्ला सिंधी आपके सिंध के मतलब अजीम मुफक्कर थे, कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, अगर कोई मजहब है तो इंसानियत है, बाकी जितने हम समझते हैं कि डिवाइन हमारे रिलीजन है, एवरी रिलीजन हैज़ इट्स ओन प्लेस, लेकिन जब आपने इंसानियत खो दी या आपके अंदर इंसानियत ना रही, तो समझें कि आप हैवानों से भी बदतर हो जाते हैं। और जैसा अभी सना मारी थी कि जो मैंने देखा के अंदर कि वहां पे जो हालात हुए, काश के हम देख ये भी पाएं कि एनडीएमए हैं, इदारे हैं जो कि उस जलजले के बाद 2005 से खड़े हुए थे, और ये कोई आंघानी आफत कोई ऐसे नहीं आ गई कि वेरी फाइन मॉर्निंग हमने देखा कि बारिशें आ गई और बारिशों के साथ ये सैलाब आ गया। इट वॉज वेल एस्टिमेटेड, दुनिया के अंदर ये चीजें देखी जा रही थी कि जो आप कह रहे हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और जिसके अंदर बदकिस्मती से कह लें या जो भी कह लें, खुशकिस्मती से ये कि हमारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज आई है, अमरीका बहादुर है, कनाडा है, यूरोप है, कि इनके अंदर से जो चीज़ें ये पैदा कर रहे हैं, जो चीज़ें अखराज कर रहे हैं एक सेहत के लिए भी और क्लाइमेट की खातिर वो नुकसानदेह हैं, तो दैट इज़ वन ओवर देयर। अभी मैं एक देख रहा था कि एक फिलोसफर ने और एक साइंटिस्ट ने लिखा कि जो इमदाद दी जा रही है, दीज आर द पीनट्स, कि जितना ये क्लाइमेट के अंदर जो खराबी पैदा करने के लिए वो मालिक को किरदार अदा कर रहे हैं। हैविंग सेड, वो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और मैं सना से भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जो करना होगा वो हमने करना होगा। आफत आ गई, एक अनवांटेड फॉर आफत आ गई, और उसके साथ हमने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस इलाके के अंदर बसने वाले लोगों ने ही सारी चीज़ को देखना होगा। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूँ कि जैसे आपने कहा कि अभी तक तो यही है कि इवैक्यूएशन हैज़ टू बी, जिंदगी है तो सब चीज़ें हैं, हम बीमारी के साथ भी निबड़ लेंगे, भूख अफलास के साथ भी निबड़ लेंगे, लेकिन अभी तो जो मुसीबत है, जैसा आपने कहा कि मोर देन 50% ऑफ द कंट्री, ये जो एक झील का मंजर इस वक्त पेश कर रहा है, और अभी खुदा ना करे कि जो ऊपर से अपर एरियाज के अंदर अब जो आफत आने वाली है, जो नज़र आ रही है कि ऐसा हो सकता है, खाकम बदहन के ऐसा ना हो, खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो देखने में आ रहा है कि अभी मतलब वो टला नहीं है, अभी अपर जो हमारे पार्ट्स हैं वहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ के, वहाँ पे बारिशें भी होनी है, बारिशों के साथ डैम हमारे फुल उसके साथ भर के हैं, और अगर उनके स्पेल्स खोलने पड़ते हैं तो यकीनी तौर पे ये पंजाब भी इफेक्ट होगा। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्दर्न पंजाब या जो हमारा अपर पंजाब है वो भी इससे इफेक्ट होगा, केपी के भी इफेक्ट होगा, बलोचिस्तान और सिंध का तो आप अभी तस्करा कर चुके हैं कि सिंध के अंदर कैसे हालात के हैं। हमने यहाँ पे एक हम्बल जो थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ताई, हम छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका एक कदना सा वर्कर हूँ, पीएमए लाहौर हमारा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का उसका सदर हूँ, यहाँ पे आल दो, हमने कोशिश करके अपने ताई अपनी रीजन्स के अंदर जो है वो चीज़ों को
मतलब कहा है लोगों को ऑन बोर्ड लेने के लिए, उनको मोटिवेट किया है और मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल कम्युनिटी वहाँ पे काम कर रही है। हैविंग सेड, मैं आपसे के साथ जो कह रहा था कि ज़िंदगी की खातिर हमने जो हुकूमत से चाहा, अभी मतलब टेंट जो हैं उनके बन रहे हैं कि वहाँ पे कोई ना कोई करके इनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, पानी से इनको बाहर निकाला जाए और कोई खुश्क जगह, जो खुश्क जगह बची है यकीनी तौर पे वहाँ पे हमें इनको शिफ्टिंग के लिए करना होगा। अब ये तस्करा तो ठीक है कि हम इंसानों को, लेकिन इनका जो रहन सहन था जनूबी पंजाब और सिंध के इन इलाकों के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर, इनकी ये भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और यही वाला सब कुछ था, यही इनका रोज़गार था। वी स्पीक अबाउट द ह्यूमन लाइफ, हम कहते हैं कि इंसानों की ज़िंदगी। और अभी जैसे कह रही थी कि कराची से कश्तियाँ जा रही हैं और कश्तियों के साथ, मैंने ये भी सुना कि ऐसे खाली ट्रक जा रहे हैं जो कि मतलब उनका 50,000 लाख रुपए का जानवर है, वह 10-15 हज़ार के अंदर खरीद के वो कारोबार। ये इंसानी जबिल्लत है, उसके अंदर मेरा मतलब ऐसा कहना, मेरा कोई प्रचार, मेरे आदर्श और जैसे असगर आप कह रहे थे उनकी चीज़ों के साथ, बट वी हैव टू स्पीक ऑन, इस डज नॉट मीन बाय कि हम मतलब बुराई को बुराई और ऐसों को आइडेंटिफाई भी। लेकिन अशरफ साहब, व्हाट आई कंप्लीटली फेल टू अंडरस्टैंड, मैं एक चीज़ जो मेरी बिल्कुल एक आसाब इस चीज़ को नहीं मानते कि अभी थोड़े अरसे पहले ही तो एक बहुत बड़ी कैलामिटी आपके नॉर्दर्न एरिया मरी वगैरह में हुई थी, जब बर्फबारी में लोग फंस गए थे। ये हम लोगों ने तो रेट बढ़ा दिए थे होटलों के, इतनी बड़ी उसके बाद इतनी सारी बातें हुई कि शर्म आनी चाहिए थी, होटलों के रेट बढ़ गए, ये अभी हुआ था। मुझे जो चीज़, मैं जिस चीज़ से बड़ा परेशान होता हूँ कि अभी तो एक मुसीबत गुजरी है, उससे सीखा ही नहीं। और क्या नहीं सीखा, सिर्फ इंसानियत, आपने सिर्फ इंसानियत नहीं सीखी, बाकी सब सीख लिया। ये जैसे उन्होंने कहा कि खतरा जो है ना वो अभी टला नहीं है, तो जब खतरा टला नहीं है तो अभी हमें वो एहतियाती तदाबीर भी साथ साथ अपना लेनी चाहिए कि जो हमें लगता है कि अब होने वाली बारिशों से क्या नुकसान हो सकता है, हम उस पर तो कम से कम कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना, उससे तो कम से कम इतनी तबाही तो हो ही चुकी है ना, और तबाही से अपने आप को बचा सकते हैं। और अभी थोड़े उसके लिए क्या इकदाम आते हैं, और अभी थोड़े से ही दिन में आप देखिएगा कि बर्फबारी और सर्दी की एक लहर आ जाएगी पूरे मुल्क में। बिल्कुल, अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक दो अहम पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि खुश जगह पर पीएमए कैंप लगा रही है, वह लोगों की मदद की जा रही है। ना सिर्फ हम पीएमए लगा रही हैं, हमने हकूमत से मुतालबा किया और लोगों से कहा कि ऐसी हम मतलब जो छोटी बस्तियां जो वहां पे कायम करने की खातिर, बिल्कुल ठीक है, बस्तियां बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब कथा कहलाने की माजरत चाहेंगे, जो पीएमए भी कर रहा है वो भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स कम्युनिटी भी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अवेयरनेस प्रोग्राम तो पीएमए और हुकूमत की जानिब से इस वक्त वहां पर फैलाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, लेकिन जो वहां पे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी, मैंने खुद देखा लोग वहां पीने पर मजबूर हैं, उसकी वजह से डायरिया, हैजा की बीमारियां फैल रही हैं, जल्दी अमराज, क्योंकि पानी वहां से निकल नहीं रहा और गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो हीट की वजह से जल्दी अमराज भी वहाँ पर फैल रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, इन तमाम बीमारियों के वह खतरात हैं। तो जो मच्छरदानियाँ हैं या इन दवाओं के हवाले से, तो वैक्सीनेशन है, इनकी कितनी किल्लत है, कितनी ज़रूरत है, कुछ बताइएगा फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके इल्म में हो। देखिए मैं अर्ज करूं कि ऐसा कोई कैलकुलेटेड आप फिगर्स तो दे नहीं सकते ऐसी, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये प्रीएम्प्टिव हमारा पहले था, हमने मतलब आज से कोई 10-15 दिन पहले लाहौर के अंदर मतलब आई माई सेल्फ टू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक प्लेस की, और उसके अंदर हमें यही खदशात जो थे जिनका आप तस्करा कर रहे हैं कि उसके अंदर मतलब मैदे के अमराज हैं, मैदे के अमराज में हैज़ा जिसको गैस्ट्रो के नाम से हम जानते हैं कि वो मतलब बड़ा था कि जिसके अंदर पानी पीने के लिए और बाकी जो गजाई है, स्किन की बीमारियाँ जो हैं जल्दी अमराज हैं उनके लिए, आँखों की बीमारियाँ जो कि वायरस के साथ होती हैं वो, और स्नेक बाइट जो है उसके एलिमेंट की खातिर हमने ये हुकूमत से और बाकी लोगों से ये मतलब गुजारिश की थी कि इसका अभी से इदराक के लिए सोचें। और अभी जैसे हमारे दोस्त कह रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर सर्दी भी आ रही है, तो सर्दी की खातिर भी अभी से हमें सोचना होगा, ये अगर अभी हम सोचेंगे तो 2 महीने के बाद आएगा। अब ये जितनी आफत आ गई है, कोई 3-3.5 करोड़ बंदा डिस्प्लेस हुआ है, एंड इट इज वन ऑफ द मतलब जो दुनिया के अंदर बड़ी आफत है, मैं समझता हूँ कि ऐसी आफत नहीं आई कि मुल्कों के मुल्क जो है कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ी आबादी है उसको कहा जाए कि पूरा ऑस्ट्रेलिया मतलब वो बेघर हो जाए, तो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद अस। पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ ये चीज जो हो चुकी है कि हमें सोचना चाहिए, हुकूमत को और अक्वामे आलम को इसके बारे में मैं समझता हूँ कि सोचना चाहिए, लेकिन अपने ताई यही मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अभी जो रहने की खातिर और लोगों को भी, अभी तो हम तस्करा कर रहे हैं कि लोगों ने लूट मार शुरू कर दी, लेकिन वहां पे भी जो अफेक्टेड लोग हैं उनको भी इस बारे में उसको उनका इसका इदराक होना चाहिए
कि मैं भी एक मतलब देख रहा था कि एक खैमा है जिसके अंदर बड़ा खैमा था, रीजनेबल खैमा था, और आप जानते हैं कि गरीब लोग कैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं और कैसे वो रहते हैं, एक एक दो दो कमरों के घर होते हैं जिसमें रह रहे हैं, वो कराची के बड़े शहर में भी होगा, लाहौर में भी होगा, पेशावर में भी होगा। वो खैमा तो उनका गिला ये था कि जी हम 10 या 12 अफराद हैं, हमारे पास एक खैमा है, तो हमें तो रहने के अंदर बड़ी मुश्किल आ रही है। तो आई थिंक कि एवरीबॉडी हैज़ टू अंडरस्टैंड, और मुझे जिस बात का ज़्यादा खदशा है और जिस बात की ज़्यादा मतलब एक मतलब कहना चाहिए कि अलार्मिंग सिचुएशन भी वो है, वो ये है कि अभी तक हमें इदराक नहीं है कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ आ गई है। हमारी फसलें तबाह ही नहीं होगी, हमारी आइंदा आने वाली फसलें भी नहीं बीज पाएंगे। यहाँ पे खुराक की कितनी मतलब शॉर्टेज होगी वो हमें अंदाजा नहीं है। और ऐसे साहब मुझे यही एम्पावरमेंट करने की खातिर कितने मसाइल आएंगे उसका अभी तक नहीं है। एग्जैक्टली, सॉरी टू कट यू, लेकिन एक यही बात है जो हम सोचते हैं कि जब तक ये चीजें हमें शहरियों को हिट नहीं करेगी तब तक आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि कितनी बड़ी कलामिटी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा नाम टेलीविज़न से इनका ताल्लुक रहा है, काफ़ी अरसे से हम सब ने इनको देखा, इनके काम से महसूस हुए हैं। हनीफ राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त ने सर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, TV1 का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी अच्छी ट्रांसमिशन में, और ये तो एक कार खैर है और इसमें आपने बुलवाया, मैं अभी आप सब की गुफ्तगू सुन रहा था। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो बातें अभी हो रही हैं वो तकरीबन उसमें से तो वहाँ का एक ऐनी शायद जो वहाँ का रिहायशी है उसने मुझे ये बताया, मैं अभी कुछ जून में गया था कलाम सवात वगैरह, वो शोज़ के सिलसिले में गया था तो वहाँ कुछ शूट भी करनी थी, तो जो ड्राइवर हमारे साथ था तो वो बड़ा अच्छा बंदा था। अभी कल या परसों उसने कुछ वीडियोज़ बनाकर भेजी मुझे, उसने बताया कि इस वक्त हमारे क्या हालात हैं, हम किस तरह के हालात से गुज़र रहे हैं। तो बस असफर साहब, इस वक्त सिर्फ हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी दुआ तो यह है कि अल्लाह उनकी आफियत उनको बख्शे और उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, इस मुश्किल से निकाले। लेकिन ये जो बात अभी हो रही थी कि हर चीज़ के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी जाती है कि ये मुसीबत में एक और मुसीबत डाल दी जाती है। बिल्कुल, ख़वातीन और हज़रात, वेक अप पाकिस्तान जारी है, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं वेक अप पाकिस्तान, एक इनिशिएटिव है TV1 का, News 1 का और वसेब का, आप तक ये रसाई कराने का, आप तक ये बेदारी पहुंचाने का, उन लोगों तक रसाई कराने का कि आप किस तरह उन पाकिस्तानियों की, उन बहन भाइयों की मदद कर सकते हैं जो कि इस वक्त इस कलामिटी से अफेक्ट हुए हैं। 75% तक आपका जो मुल्क है, जो आपका घर है, वो इस वक्त ज़ेर आब है, जिसका मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा तारीख है। सारी दुनिया की नज़रें हमारे मुल्क पर हैं, सारी दुनिया से अतियात आ रही हैं, और हम आपसे भी, जितने भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, हम तो यही इल्तजा करते हैं कि ये वक्त है कौम का साथ देने का, लीडरों का हम सब साथ देते हैं, लीडरों के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं, उनके लिए हम दूर दराज मुल्कों से, छोटे छोटे शहरों से ट्वीट्स करते हैं, उनके लिए हम अतियात भिजवाते हैं। लेकिन ये जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं, वो मकसद क्या है? हमारा मुल्क है, हमारा वो तहफ़्फ़ुज़ है, हमारा वो अमन व अमान से भरपूर गोशवारा है, जहाँ पे आपके बच्चे खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, जहाँ पे आपकी बहनें माएँ बाइज़्ज़त तौर पे ज़िंदगी गुजारती हैं, जहाँ से आप ज़रिया माश कमाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने आने वाले कल का नहीं पता, वो चाहते हैं कि काश वो लोग भी उस सैलाबी रेले में अपने प्यारों की तरह बह चुके होते, क्योंकि आने वाले कल की जो सुबह है वो सिर्फ तारीकी लेकर आ रही है। ये बात आप लोगों को समझनी है, ये जो वेकअप पाकिस्तान है ये बाकायदा एक ट्रांसमिशन है, ये एक इनिशिएटिव है ताकि पूरा मुल्क जागे, ताकि सब, जिस तरह अभी हमारे भाई अशरफ साहब ने कितनी खूबसूरत बात की कि इस वक्त तक इस कलेमिटी ने, ये जो एक पूरा जो सानहा हुआ है, इस हमें अभी तक इसकी बेदारी आई नहीं है, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये हुआ क्या है हमारे मुल्क के साथ। आई थिंक जितने भी चैनल हैं, जितने भी ड्रामे हैं, जो कुछ भी एंटरटेनमेंट चैनल्स पे चल रहा है, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप बहुत होती है, मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक इल्तजा करता हूँ कि सारे अदाकार, जितने भी
रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अमन व अमान के, वो सब आगे आइए, ये बेदारी पैदा कीजिए कौम में, यूनिवर्सिटीज़ ये बेदारी पैदा करें स्टूडेंट्स में, जितने भी मल्टी नेशनल इदारे हैं जो पे जो है काम करें। मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैं नए नए बोर्ड्स देखता हूँ, बर्गरों के, पैटीज़ के लगे हुए सारी इधर उधर, लेकिन उन लोगों के लिए कोई बोर्ड्स नहीं लगाए इन मल्टी नेशनल्स ने, उन लोगों के लिए कहीं पर कोई कैंपेन नहीं हो रही जहाँ पर एक आम आदमी को पता चल सके कि कैलामिटी हुई क्या है। वो मास जब 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 रमज़ान शरीफ आता है और ज़कात फंड्स होते हैं तो जगह जगह बीमार बच्चों के और माजूर लोगों के बोर्ड लगे होते हैं कि इनको अतियात दें, उनको अतियात दें। वो सारी टीमें अब कहाँ हैं? हमें यकजा होने हैं इस वक्त, ये यकजा होने का वक्त ये है ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमें उठना है। आपको बताऊँ, ये जो फुटेजेस हमारे पास आती हैं, रात को नींद नहीं आती सिर्फ इस सोच से कि वो जो बच्चा आधा पानी में डूबा हुआ है अपनी बकरी को पकड़ के, कहीं वो बच्चा हमारा ना होता। अगर सिर्फ ये सोच लें आप वो फुटेज देखते हुए, तो आप मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। राशिद भाई, आप जिस तरह फुटेज देख रहे हैं, आपका एंटरटेनमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है, आप मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को, जो सेक्टर है हमारे पाकिस्तान को, उनको क्या करना चाहिए, क्या इकदाम लेने चाहिए? ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट के जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और इस मसले की संजीदगी को उजागर करना चाहिए कि हमें कितनी बड़ी मुसीबत का सामना है, अभी तक हमें अंदाज़ा ही नहीं है, हम दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। थोड़ा सा ख्याल करें लोगों का, इंसानों का, क्योंकि इनके बगैर ही, इनके बगैर आप भी कुछ नहीं है। बिल्कुल, यही आपको देखते हैं, यही आपको स्टार बनाते हैं, तो इस वक्त उनको ज़रूरत है, आप उनके लिए कुछ करें। बिल्कुल, और जिस तरह अभी फसलें तबाह हुई हैं, अभी फूड शॉर्टेज का बड़ा खदशा है, फूड शॉर्टेज ना हो जाए हमारे मुल्क में, जिस तरह आपको पता है एक जगह जगह से पानी गायब हो गया था, कहीं फूड शॉर्टेज ना हो जाए। अभी जब ये पानी छटेगा, जब ये लोग खुश्की पे आएंगे, तो आपको अंदाज़ा नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं जो फूटेंगी और हमारे सामने आएंगी। जवाब आप जी जी हनी भाई, सॉरी प्लीज़ बोलिए। मैं आपको एक बात बताऊँ और इससे आप सब मुत्तफिक होंगे, ना हो तो आप मुझे ज़रा बताइएगा। सैलाब तो अंदरून सिंध में आया है, सवात में आया है, केपीके की साइड पे आया है। अच्छा, सब्ज़ी कराची में महंगी हो गई है, अगर वहाँ से रसद नहीं भी आ रही है तो रेट यहाँ भी बढ़ा दिए गए हैं। तो जैसे इस पर अभी आपने कहा कि अब जैसे उस बच्चे का आपने जिक्र किया कि जो अपनी बकरी को लेके खड़ा है, तो वो बच्चा उसकी क्योंकि हाइट कम है तो वहाँ पानी की भी हाइट कम है, लेकिन आप ये सोचिएगा जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा हाइट होगी वहाँ क्या होगा। अभी एक और दूसरे चैनल पे मैं टेलीथॉन में गया था तो वहाँ भी ये बात मैंने इरेज की, और अगर ये मुनासिब हो, डॉक्टर साहिबान अगर समझते हो कि सही है तो इस पे अमल हो सकता है। जो घरों में दवाएं बच जाती हैं और जिनकी एक्सपायरी में 2-4 महीने होते हैं, ठीक है ना, उसकी एक या दूसरी डोज के बाद वो बंदा सही हो गया, तो अगर वो दवाएँ भी इकट्ठी करके भेज दी जाएँ तो उनसे भी तो कुछ ना कुछ भला हो सकता है। तो मतलब बात है सिर्फ एहसास करने की, जब एहसास करेंगे तो एक अच्छी सोच जन्म लेगी, जब अच्छी सोच जन्म लेगी तो एक अच्छा अमल जन्म लेगा। तो इस वक्त जैसे कि आपने कहा, आपकी बात बहुत ही अच्छी, बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम बड़े बड़े बोर्ड्स मुख्तलिफ क्या बोलते हैं पुरतायुष जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है ना, उन चीज़ों के तो बड़े बोर्ड होते हैं, बड़े महंगे महंगे, एक आदमी कम अज़ कम एक मील खाता है 1300-1400 रुपये का, एक घर में एक आदमी का मील होता है वो 1300-1400 रुपए का, तो 1300-1400 रुपए में तो यार उनके लिए क्या कुछ नहीं हो सकता। तो उसके तो बोर्ड लगाए जा रहे हैं, आप इसके बोर्ड लगाएं, बड़ी अच्छी बात की आपने, ताकि राजीव हों लोग इस तरफ। और इस कौम में असफर साहब बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है, हमने जलजले में देखा, हमने मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों में देखा। अच्छा, क्योंकि हमारा ताल्लुक इंटरटेनमेंट मीडियम से है तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मजाक में ही, जैसे कि वो प्रैंक शोज वगैरह मेरे चलते हैं, मैंने गेटअप करके मैं वैसे ही चंदा मांगने निकला एक, ये तो काफ़ी पहले की बात है, आप यकीन करें कि बहुत सारे पैसे लोगों ने दिए। इसका बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में इतना एहसास है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना और उनको, जैसा कि आपके शो का नाम है वेकअप पाकिस्तान, उनको अवेक करने की ज़रूरत है। बाकी तो जज्बा और ईमान तो भरपूर तरीके से मौजूद है इस कॉम में। अच्छा, राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असफर साहब ने सवाल किया जैसे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को करना क्या चाहिए, आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के हवाले से कि अब जैसे मैं जिन सिटीज़ में गया, जिन एरियाज़ में, अफेक्टेड एरियाज़ में गया, वहाँ लोगों को सिर्फ एक बात मालूम थी
अब एक खातून अपने बच्चे को कैलपोल दे रही थी, मैंने उससे पूछा गया इसको क्या है, कहने लगी इसको उल्टियाँ आ रही हैं, डायरिया है। अब उसको नहीं मालूम कि डायरिया में कौन सी दवाई दी है, और वहाँ उनको दस्तियाब भी नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम, और फिर आप लोग अपील भी कर सकते हैं मुखय्यर हजरात से वीडियोज़ के ज़रिए, आप लोगों को लोग जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, कि लोगों की मदद करने के लिए आगे आएँ। कुछ अपने नाज़रीन को बताएं, जो जो जैसे इस पर अभी जानना चाह रहे थे, जो ही और जब हम निकले यहाँ से इंडस हाईवे से, दादू से पहले एक सिटी पड़ता है, वहाँ उसके करीब में 200 किलोमीटर का एरिया है जो पूरा पानी में डूबा है। अपने नाज़रीन को बताएं, इस पर आप जानेंगे, 2 घंटे हम बोट पर रहे लेकिन पानी नहीं ख़त्म हुआ, इतना पानी वहाँ पर है, और 12-12 फुट पानी लोग अपने घरों की छतों पर महसूर है। अब हमने जानने की वहाँ लोगों से कोशिश की कि भाई आप क्यों नहीं खुशकी में जा रहे हैं, खेमे लगे। उन्होंने कहा ये जो जमा पूंजी घर की है उसके लिए यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मुनाफा परस जो है, मौका परस जो है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। एक और बात जो खेमों की हो रही है, अभी रिपोर्ट ये भी बताई जा रही है कि जो खेमे लग रहे हैं मेन सुपर हाईवे पर, लोग इस वक्त शाहराहों पर आके बैठ रहे हैं ना, मेन इंडस हाईवे पर, उन खेमों में अक्सरियत जो है वो मौका परस्तों की है, जगह घेरने वालों की, कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है, मेन रोड पे आके बैठ जाओ। और जो एनजीओज हैं, मुकामी तंजीमें हैं, वो बड़े शहरों के करीब तो पहुंच रही हैं इमदाद के लिए। जो जो ही हमने चंदरमोरी गोट का जायज़ा लिया, फ़कीर जो गोट, अल्लाह वसाया गोट, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी तक एनजीओज तंजीमें नहीं पहुंची हैं। हुकूमत की जानिब से भी लोगों ने बताया कि आते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं आ रहे, क्योंकि 15 दिन से अब पूरा एरिया पानी में डूबा हुआ है, और 15 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। और अभी तो कल बता भी दिया मुख्तलिफ जो सूबाई वज़रा हैं उनकी जानिब से, नासिर शाह साहब ने बताया कि सूरत हाल यही रहेगी अगले 15 रोज तक, क्योंकि पानी निकलने का कोई भी ज़रिया नहीं, आगे निकालेंगे तो जैसे अब अगर वहाँ से पानी दादू से आगे बेचते हैं तो सेवन शरीफ शहर जो है उसके डूबने का ख़तरा है। अब तारीखी जगहों को जितनी बचाया जा सकता है उतना बचाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, लेकिन अगले जो 15 से 20 रोज़ जो हुकूमती लोग बता रहे हैं कि सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, तो अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ इतनी बदबू पानी चूँकि खड़ा हो चुका है, बीमारियाँ फैल रही हैं, जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले भी जिक्र किया था कि पानी खड़े रहने से उसके ऊपर मच्छर आ रहे हैं, आप वहाँ पर आधे घंटे ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते, स्मेल इतनी है और हीट इतना गर्मी, 43 टेम्परेचर है। जबकि हमें इमदाद मिल रही है, हमारे तमाम जितने भी बरादरान मुल्क हैं वो हमें इमदाद दे रहे हैं। फ्रांस की बात करूं तो हमें ऐसे वाटर सक्शन पम्प्स भी दे दिए गए हैं जो कि ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी खड़ा है, वहाँ से पानी निकाला जा सकता है। मैं बलूचिस्तान की बात करूंगी कि जब मैं बलूचिस्तान गई और वहाँ से फिर हमने आगे ट्रेवल किया, उत्थल था वो पूरा तबाह हो गया था, वो पूरा एक शहर था, गाँवों की बात तो मैं आगे बताऊंगी, वो शहर ही पूरा तबाह हो गया था, और उनका जो जरिया माश था वो खेती बाड़ी था, और लोग बड़े परेशान थे। और वहाँ के लोगों में मैंने ये बात देखी कि वहाँ के लोग रो रहे थे, फरियाद कर रहे थे कि ठीक है आपने हमें रेस्क्यू किया, हमें रिलीफ नहीं चाहिए, हमें रिहैबिलिटेशन चाहिए। आज आप हमें खाने को देंगे पेट भर जाएगा, कल हम खा लेंगे पेट भर जाएगा, तीसरे दिन हम क्या करेंगे? हमें चाहिए कि हम अपनी उन्हीं जगहों पे वापस जाएं, वहाँ से पानी निकाला जाए, वहाँ के मामलात कुछ इस तरह से कर दिए जाएँ कि हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकें। उससे हम आगे गए तो वहाँ पर लुआनी एक गाँव था, और उससे मुलका कोई 12 गाँव थे जो उस वक्त ख़तरे में हैं, यानी कि वहाँ पर एक तरफ नदी है और एक तरफ नाला है, और उसका कटाव इतना बढ़ता जा रहा है कि वो रोड पूरा ख़त्म होता जा रहा है, और वहाँ मैं आपको बता नहीं सकती बस्तियाँ ऐसे ख़त्म हुई हैं कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ किसी बस्ती का कभी कोई वजूद भी था। और वहाँ लोग फरियाद कर रहे हैं कि भाई हमारे पास यहाँ इमदाद भी नहीं पहुँची है, और हमें फौरी तौर पर जो उनको उस वक्त ज़रूरत है ना, उन मकामात से निकाल कर किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। लेकिन वही आपकी बात जो जवाब आपने कहा कि मौका परस जो लोग हैं ना, वो हाईवे पे रोड्स पे आके बैठ गए, अब कोई इमदाद के लिए निकलता है ना, वो क्या करता है? वो कहता है चलो जी मैंने नेकी का जज्बा है मेरे अंदर, यार मुझे यही मिल गया, मैं यही दे देता हूँ वो। और अगर वो बेचारा दे के सोचे भी मैं आगे जाऊँ तो लूटा मारी इतनी हो रही है कि उस वो ट्रक छोड़ के साइड में खड़े हुए कि भाई आप ले लो सारा। आप देखें बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें, जो जो मौका परस्त लोग हैं, जो बोट वहाँ पर इस वक्त पहुँचाई गई है वो वहाँ पे गांव के लोगों की तो नहीं है, वो वहाँ वडेरों ने, चौधरियों ने, और जो जो जमींदार है उन्होंने वहाँ पर बोट वहाँ पहुँचाई, क्योंकि आपको और 500-500 रुपए अपने घर की छत तक पहुँचाने के लिए वो बोट वाला 500 रुपए। आप मुझे बताएं जिनका सामान सब कुछ बह गया वो पैसे कहाँ से देगा भाई? जमा पूंजी उसकी तो जमा पूंजी एक्चुअली इन सब लोगों की जो है वो तो फसलें हैं और वही उनका जरिया मुआश है, या वो जो उनका असासा क्या होता है, ये जो मवेशी होते हैं ये उनका लाखों मवेशी खत्म हो चुके हैं अभी तक के जो आदादोशुमार है, और 35,000 मवेशी। और जो फिक्र की बात जो मुझे सबसे ज्यादा लगती है, मुझे ये बात लगती है कि जब ये बीमारियां ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि देखिए बाथरूम का जो भी निजाम होता है वो जेर जमीन होता है, अब तो पानी इतना है, जब पानी में आधे आधे धड़
लोगों के हैं, डेड बॉडीज उस पानी में है, चाहे जानवरों की हो चाहे इंसानों की हो, बाथरूम का सारा सिलसिला उसी आधे पानी में है जहाँ आधा धड़ आपका डूबा हुआ है। देखिए, और छतों पे जिस तरह अभी जवाब ने कहा कि छतों पे लोग अपनी महसूर है क्योंकि आधा घर पानी में, आप मुझे एक बात बताइए, सिर्फ सोच के दिल लरस सा जाता है कि कब तक उस घर की बुनियादें उस पानी को। अच्छा, ये सवाल किया मैंने वहाँ लोगों से, मैंने कहा ये 15 दिन से पानी में घर है, ये कमजोर हो गया होगा। अच्छा, एक शख्स था वो कह रहा है ये हिल भी रहेगा, सबके घर पक्के थोड़ी है, बिल्कुल, और कमजोर घर है। तो उनसे पूछें कि भाई आप कहीं और चले जाएं, खुश जगह पे चले जाएं। वो कहने लगे अब जो आफत आनी थी वो तो आ गई है। मैंने कहा अगर अभी आगे और रैला आएगा तो उसका क्या करें। कहने लगे फिर अल्लाह को प्यार हो जाए। मतलब लोग तैयार बैठे हैं, ज़हनी तौर पर मायूस भी होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, हम सबका फर्ज है कि उनकी जिंदगी को करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। हम अपना कदम तो बढ़ा सकते हैं ना, वो जो कहते हैं कि दामे दर में कदम है सुखन है। मतलब जिस तरह भी हो सके हमें अपनी कौम की, अपने बहन भाइयों की, उनकी आफत ज़दगान की मदद करनी है। जैसे असफर अभी आप फरमा रहे थे, बड़ी आपने वैलिड बात की है कि वो जो फजला, एक तो देखिए बारिश का पानी जो होता है ना, ये सब लोग जानते हैं और डॉक्टर साहब ने भी अभी फरमाया कि गैस्ट्रो इतनी खतरनाक बीमारी है, वो बस अल्लाह ताला रहम फरमाए। आपको पता है हैज़ा क्या चीज़ होती है, उसमें तो बड़े चांसेस होते हैं इंसान के ना बचने के। तो उसके साथ साथ मजीद गंदगी उसके अंदर ऐड हो रही है, वो इंसानी और जानवरों का फजला है। तो ये बड़ी वैलिड बात है। हम असल में ऐसी बातें करते हुए पता नहीं क्यों इन चीज़ों से हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं। ये शर्माने वाली बात नहीं है, ये तो नेचुरल है, रियलिटी ऑफ लाइफ है। इसको तो आप एक्सेप्ट भी करें, और जब तक आप इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हिफाजत का, जो रेस्क्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उनके दिमाग में भी ये सोच आएगी कि यार इसको किस तरह देखना चाहिए। पहली बात, उनको खुराक मिलनी चाहिए। जैसे सना ने अभी कहा, वो कहते हैं जी खुराक तो मिल जाएगी, हमारी मतलब आबादी ये नौ जो रिहैबिलिटेशन होती है वो किस तरह होगी, तो इस पर भी सोचना चाहिए। अच्छा, साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं हनीफ भाई, हमें खुराक पे सिर्फ फोकस नहीं करना इस वक्त, वहाँ पे जो जानवर है उनका चारा। दूसरी बात ये है कि मैंने खुद देखा तपती धूप में नंगे पाँव बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। मैं उसमें मतलब आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती ना, आप खुद सोचें थोड़ी देर, हम तपती धूप में नंगे पाँव अगर हम खड़े हो जाएं तो हमारी क्या, हमारा क्या आलम होगा। हमें पता होगा हमें थोड़ी देर बाद जाके चप्पल जूती कुछ भी पहन लेंगे। उनको कोई आसरा नहीं था। इस वक्त चप्पलें चाहिए वहाँ पर, लिबास चाहिए। कितनी खवातीन ऐसी थी जो बेचारी पानी से इसलिए नहीं आ रही थी कि उनके लिबास फट गए थे, वो बेलिबास थी। सना, आप जो बात कर रही हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई ने अपनी मुश्किल शूटिंग में से हमारे लिए वक्त निकाला बेकअप पाकिस्तान के लिए। और राशिद फारूकी साहब, पाकिस्तान का एक बड़ा मोजिज नाम है, और हमेशा से कभी भी कोई भी एक इनिशिएटिव होता है मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए, उनकी सलाह के लिए राशिद फारूकी हमेशा पेश पेश होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। बेकअप पाकिस्तान जारी है, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आप वेकअप पाकिस्तान का हिस्सा बने। आज हम बेदारी पैदा कर रहे हैं, आगाही आपको दे रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान किस मुश्किल मरहले से गुजर रहा है। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम अयूब खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद से हमें डॉक्टर हसन अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि माहिर आबी उमूर हैं और बहुत ही पेश हैं आजकल पाकिस्तान में। सबसे पहले मैं अयूब साहब से बात करूंगा। अयूब साहब, आप ये बताइए, आप आजकल देख रहे हैं जो क्लाइमेटी चल रही है आपके इलाकों में, किस तरह की सूरत हाल है? देखिए, हमने तो बाकायदा वहाँ पे मौजूद रहे हैं, वहाँ पे सारा कुछ देखा है। जैसे क्वेटा से शुरू हुआ, बलूचिस्तान से शुरू हुआ, फिर जूँ जूँ मैदानी इलाके की तरफ बढ़ता चला गया तो अपनी तबाही फैलाता अब जाके 70 के करीब पहुँचा है, आपको उसका अंदाज़ा हो गया होगा। बात यह है कि अब बहुत से लोग जो है ना, बहुत से चैनल्स पे बैठ के और एक तनकीदी बाकायदा एक नशस्त लगा लेते हैं, और फिर वो जितना भी जहर उगलना होता है उन्होंने वो जहर उगलना होता है। इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि ख़ास तौर पे जो आपके जो चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, मेरा ये ख्याल है कि बजाय ये कि, या जो सोशल मीडिया पर जो लोग काम करते हैं, बजाय ये कि आप नफ़रत फैलाएँ, बजाय ये कि आप जहर उगलें, बजाय ये कि आप एक लोगों को आपस में लड़ाएं, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त आप रिहैबिलिटेट करें लोगों को, इस वक्त आप उनकी ज़िंदगियों को बचाएं, उन तक फूड पहुंचाएं, उनको घर, उनको शेल्टर्स दें। मेरा ख्याल है इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। पॉजिटिव बात करें। हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया पे
चाहे वो पॉलिटिशियंस हों चाहे कोई भी लोग हों, उनके ऊपर पूरा एक सिलसिला चल रहा होता है और एक मजाक बनाया हुआ है। खुदा का खौफ करें, ये मजाक का वक्त बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सीरियस होने का वक्त है। चाहे मैं और आप यहाँ पे बैठे हों, हमने भी बहुत सीरियसली काम करना है ताकि हम अपने जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे जितने भी NGOs हैं, चाहे जितने भी एसोसिएशंस हैं, इंडिविजुअल जो लोग काम करें, हम उनको सपोर्ट करें। ताकि आप पहले तो आप अपने घर से स्टार्ट लें ना, कि आप पहले देख लें कि आपके घर के आसपास आपके अड़ोस पड़ोस में क्या मुश्किल आई हुई है, आप उनको हेल्प आउट करें, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें। इसी तरह से सबको मिलकर काम करना होगा। बहुत बड़े बड़े यहाँ पे जो NGOs हैं, मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगा JDC का, कि जिस तरह से वो काम कर रहा है या जिस तरह से बाकी लोग काम करें, यहाँ पर तो मैंने ये देखा है कि लोगों ने छोटे छोटे भी उन्होंने अगर कैंप रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं, चाहे थोड़ा उनके पास पड़ा हुआ, लेकिन एक जज्बा मौजूद है। तो अल्लाह पाक सबको जजाए खैर दे। इस वक्त इसकी सख्त ज़रूरत है हमारे यहाँ, के बजाय मदद करें। हाँ, इस वक्त जो 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 हमारी जो NGO है या हमारी जो एसोसिएशन है, हमारा तो यही है कि हम लोगों को दोबारा उनके उन घरों तक पहुँचाएँ। वजह यह कि हम उनको कहें कि जी आप शिफ्ट हो जाएँ, यहाँ से निकल जाएँ, कराची चले जाएँ, हैदराबाद चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, क्वेटा चले जाएँ। उनको यही है कि आप दोबारा उनको उन घरों में आबाद करें जहाँ पर वो रह रहे थे। पानी अब आपने बताया कि आगे निकल चुका है, वहाँ यकीन तौर पर रिहैबिलिटेशन का काम शुरू हो गया है या अभी तक रेस्ट नहीं? अभी देखे बात, अभी मैं आती हुई मेरे दोस्तों के साथ ये बात हो रही थी कि अब हम उससे ये नहीं कह सकते कि अब ये एक मखसूस कोई एक इलाका है कि जी वहाँ पे, अब तो ये पूरे मुल्क का एक अलमिया बन चुका है। ये पूरे मुल्क पानी उतर गया है, वहाँ रेस्क्यू रिलीफ खत्म हो गया। अभी फिलहाल देखे हम रिहैबिलिटेशन की तरफ नहीं गए, अब लोगों के पास सिर्फ ये है कि उनको आप ये रिलीफ दें कि उनके पास फूड पहुँचे, उनके पास खाने पीने। देखिए रिहैबिलिटेट आप उनको करेंगे, उनकी छोटी मोटी जो ज़मींदारियाँ थी या उनका सिस्टम, वहाँ तक रियासत काम करेगी। रियासत कैसे काम करेगी? ज़ाहिर है रियासत को अभी इंटरनेशनल डोनर्स की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन माफ़ी के साथ कि हम आपस में अभी भी लड़ रहे हैं, चाहे हमें पॉलिटिशियंस हों चाहे हम लोग हों, हम लोग आपस में दस्तो गरेबान हैं, इस दस्तो गरेबान से निकलना पड़ेगा। जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे हम काम नहीं कर सकते। अच्छा मैं एक चीज़ जवाब ये भी सुन रहा था कि कभी भी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को गिराने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्युमुलेट होकर एक नई पार्टी फॉर्म कर लेती हैं किसी एक को, मतलब इस तरह के मकासद में पहले भी तो यकजा हो चुके हैं। तो इस वक्त जितने भी ये इदारे काम कर रहे हैं, जितने भी NGOs काम कर रहे हैं, यकजा होकर डेजिग्नेट क्यों नहीं कर देते? असफर भाई, ये जो है ना, ये वक्त सियासत करने का नहीं है इवेंट पे। बिल्कुल, कि अगर ये मसला हो गया है, ये तो बहुत ही तकलीफ दे मामलात हैं, जैसा अयूब भाई ने कहा है अभी, और बड़ा सही बात की उन्होंने, वजह फरमाया कि भाई आप जो है ना इस वक्त तनकीद नहीं करें, आप मदद करें और मशवरा नहीं दें, अमल करें, अमल करें, अमल करें। हमारे यहाँ यहाँ पे तो मशवरा देने वाले लोग बड़े सारे सुबह शाम मशवरा दे रहे हैं। भाई अमलन आप क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल क्योंकि अय्यूब भाई यहाँ कर रहे हैं, अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। अय्यूब भाई, ये आप तो बहुत ज्यादा इन है माशाल्लाह इसमें, तो ये बताइए, शुरू में भी बात हो रही थी, सना फैसल भी कह रही थी, और यहाँ एक टॉपिक यही था कि भाई ऐसे वक्त में जो चीटर्स हैं और जो दो नंबरी करते हैं और जो बेच देते हैं चीज को या बहुत महंगा कर करके, वो तो मुसीबत में एक और मुसीबत शामिल कर रहे हैं। Exactly. उनको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे और उनके लिए कोई लाया अमल कोई है? देखिए वो आइडेंटिफाइड है, ठीक है, मतलब वो ऐसे नहीं कि ढके छुपे। आप अपने मुआशरे का हाल देख लें, रमजान शरीफ में ही देख लें आप। जी हाँ, मैंने बार बार एक मैंने जिक्र किया है और हमेशा मैं करता रहूंगा और फिर भी करूंगा मैं, कि हमारे जैकबाबाद शहर में एक हिंदू दुकानदार था जब मैं बिल्कुल जवान था, किशन चंद उसका नाम था। किशन चंद रमजान में रोजे रखता था और अपनी वो जो चीजें थी वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे बेचता था। हम जाके उसको कहते थे कि चाचा किशन, तुम तो हिंदू हो, तुम कैसे रोजे रख रहे हो? कहेंगे नहीं, मुझे अच्छा लगता है। यानी वो था हिंदू, सबने मजहब तब्दील नहीं किया था, लेकिन उसने कहा कि सुबह की अजान में जब आप लोग सहरी करते हो तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैं सहरी करता हूँ। फिर जब आप लोग इफ्तार करते हो तो मुझे इफ्तार के वक्त मुझे वो अच्छा लगता है, मैं इफ्तार करता हूँ। और अपनी वो सारी चीज़ें उसी शहर में, अपनी सारी चीज़ें वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे जितने भी उसने खरीदा वो उसे देखे। वो ये एक मिसाल है, जज्बा है, ये मिसालें होती है। और उसके साथ वाले दुकानदार होते थे जो मुसलमान दुकानदार, माफी के साथ वो चीज़ें महंगी। ये तो हमारे माशरे का एक अलमिया है। किसी ने मुझे ये कहा क्वेटा में कि अगर हमें ये पता चल जाए कि दो दिन के बाद कन्फर्म क़यामत ने आना है तो हम जा नमाजें और मसले महंगी बेचने शुरू कर देंगे कि अभी दो दिन तो है, चलो भाई कमा लेते हैं। देखिए हमारा तो ये बिल्कुल मौका तरबियत की कमी है, हमारे पास शायद वो आलम दीन
जो थे जो इल्म फैलाते थे, शायद अभी उनकी कमी रहेगी। बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ शायद घरों में हमने अपने बच्चों को वो तरबियत नहीं दे रहे, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रहा, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, शायद इस चीज़ की कमी रहेगी। हम कर्टिसियस तो रही नहीं हमारे, नुमाइशी चीज़ ज़्यादा हुई। और अगर कोई सिखाने के लिए आगे भी बढ़ता तो अपनी अना का इतना बड़ा पहाड़ हम आगे खड़े कर देते कि तुम्हें क्या पता, हमें तो तुमसे ज्यादा पता है। हमारे एक दोस्त ने उसका तकिया कलाम है, ये सलाम है, कैसे तबाही मची, कैसे हसन अब्बास साहब, जी जी डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, सैलाब आया, उसने तबाही तो मचा दी है, क्या तरीका था इसको रोका जा सकता था, क्या डैम्स की अदम मौजूदगी है, डैम्स अगर बन जाते तो सैलाब रुक जाता, कोई तैयारी नहीं थी हुकूमत की, आप क्या कहेंगे? जी ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही है कि अगर डैम्स होते तो सैलाब ना आते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टेक्निकल सर्कल जो है एक्सपर्ट्स का वो ये बात कर रहे हैं, ये बात सिर्फ सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रही हैं। पता कि ये बात किसने फैलाई है। जी अभी अगर आप वापटा को देखिए ना, आपका जो सबसे बड़ा इदारा है, ये जो डैम शैम बनाने के लिए जिसको चुना जाता है, जिसकी सुपरविजन में ये सारे डैम बनते हैं, वापटा ख़ुद भी इस चीज़ में दिलचस्पी लेता है कि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने, क्योंकि ज़्यादा डैम के तो बहरहाल उसका फ़ायदा होगा। लेकिन वापटा के जो टेक्निकल लोग हैं वो ख़ुद कहते हैं कि जो डैम है वो फ्लड मैनेजमेंट के लिए नहीं है। 1994 की वापटा की रिपोर्ट है, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये WRM 294 रिपोर्ट का नंबर है, जो मोहम्मद अफजल साहब कोई डायरेक्टर हैं वो इसके ऑथर हैं, ये वापटा की ऑफिशियल रिपोर्ट है। ये जो 1992 में फ्लड्स आए थे दरिया जेलम में, जिसमें मंगला डैम के गेट शेट खोले गए थे और काफ़ी उससे जानी नुकसान भी हुआ था, माली नुकसान भी हुआ था, उसके बाद वापडा ने ये रिपोर्ट लिखी थी और वापडा ने पूरी कौम को बताया था कि ये जो लार्ज डैम्स हैं ना, ये फ्लड कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं ना बनाए जा सकते हैं। इन डैम्स का मकसद पानी की स्टोरेज और हाइड्रो पावर है और फ्लड मैनेजमेंट में इनका किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, कोई इसके बीच में वॉल्यूम और कोई इसके बीच में जो है वो उसके इंस्ट्रक्शंस में फ्लड मैनेजमेंट का जिक्र नहीं है। तो यानी वापडा तो खुद मानता है कि जो लार्ज डैम्स हैं वो ना फ्लड रोकने के लिए बनाए गए हैं ना बनाए जा सकते। अच्छा हसन अब्बास साहब, तो बाकी क्या मैकेनिज्म हो सकता है? 1929 में जो हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है, बड़ा फ्लड आया था, उसके बाद में 73 का मशहूर फ्लड है, फिर 89 का, देखिए 1929 में फ्लड आया था और वो फ्लड जो है उसने भी बहुत तबाही मचाई थी। तकरीबन उतने ही वॉल्यूम का फ्लड जो है वो 2010 में आया था। 1929 में सिस्टम पे कोई डैम नहीं था, 2010 में इंडस के सिस्टम पे 7-8 बड़े डैम बन चुके थे, लेकिन उतना ही फ्लड है, बल्कि 2010 के फ्लड ने ज़्यादा तबाही मचाई थी। 2010 के फ्लड में रिवर अवल्शंस हुई थी, रिवर अवल्शन का मतलब है पानी दरिया से निकल के तो शहरों में चला गया था अपना रास्ता छोड़ के। 29 में भी इतना ही फ्लड था, ये नहीं हुआ था। 73 में तो इसके ऊपर तो बहुत से टेक्निकल पेपर्स भी लिखे गए हैं और ये जो फ्लड की तबाहकारियाँ हैं अभी इसलिए बढ़ गई हैं कि उसकी दो वजूहात हैं मेन। पहली वजह तो ये है कि आबादी बढ़ गई है, लोग दरिया के करीब ज़्यादा रह रहे हैं, तो इसलिए लोगों का जो जानी और माली नुकसान है वो ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पहले के मुकाबले में। अब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने के बाद आपके फ्लड के रास्ते में खड़ा हो गया। अब मसलन सिंध की मिसाल ले लें, सिंध में से पानी निकलता ही नहीं है। 2010 के फ्लड्स आए थे तो बाकी सैलाब का पानी मुल्क से निकल गया था, लेकिन सिंध में दो दो तीन तीन महीने तक और कुछ जगहों पे 4-4 महीने तक भी ये पानी खड़ा रहा था। अब भी यही मसला हो रहा है कि बलूचिस्तान में पानी आता है निकल जाता है, KPK में पानी आता है निकल जाता है, पंजाब का पानी आता है निकल जाता है, लेकिन सिंध में पानी आने के बाद खड़ा हो जाता है। वो खड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पानी के रास्ते में आ गया। सिंध के रास्ते से जो पानी है वो शीट फ्लो के तहत निकलता है, जिसमें वो पानी ज़मीन के ऊपर फैल जाता है और फैल के वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तरफ निकलता है या दरिया की तरफ निकलता है। अब उसके रास्ते में जो समंदर की तरफ निकल रहा है उसके रास्ते में आपके कैनाल के बंद आ गए हैं, तो इसलिए वो कैनाल के साथ खड़ा हो गया है।
दूसरी तरफ अगर उसने दरिया की तरफ जाना है तो दरिया का आगे अपना फ्लड का बंद बना हुआ है जो दरिया के पानी को बाहर निकलने से रोकने के लिए है, लेकिन जो दरिया के बाहर पानी बारिश से आ गया है अब वो भी दरिया में नहीं जा सकता क्योंकि आगे फ्लड का बंद आ गया। तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए शायद इंटीग्रेशन नहीं की गई, जिसको आजकल आज की जबान में हम इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, वो नहीं की गई। यानी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इरिगेशन के लिए तो बना दिया गया लेकिन उसके साथ फ्लड मैनेजमेंट को इंटीग्रेट नहीं किया गया। तो इस वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे जो फ्लड्स हैं उनको ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं हमारे लिए। तो ये मेन वजह है, अब हमने फ्यूचर में सोचना है। जवाहर साहब एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से करना चाहूंगा, माहिर आबियात हैं सर, ये फरमाइए हमारी नॉलेज में भी इजाफा कीजिए और जो देखने वाले हैं इस वक्त उनकी नॉलेज में भी इजाफा कीजिए कि वैसे पाकिस्तान में भी या दुनिया भर में जो इस तरह के फ्लड्स आते हैं सैलाब के पानी को फिर किस तरह एडजस्ट करते हैं या कौन सी ऐसे टेक्निकल आपके पास रिसोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से वो पानी कहाँ एडजस्ट किया जाता है और किस तरह? देखिए पानी को एडजस्ट करना जो है वो उसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि तो हो नहीं सकता जो दरियाओं का रास्ता है ना जी उसको खुला रखें, और वो दरियाओं का जो रास्ता है पानी गुजरने का वो बना हुआ है, वो सदियों से बना हुआ है, उसकी मार्किंग जो है पानी ने खुद की हुई है। और जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करने लगते हैं तो आप ये देखते हैं कि दरिया का रास्ता किधर तक आ रहा है, उसके तरीके हैं, साइंटिफिक तरीके हैं उसको मैयर करने के और मार्क करने के। और खुशकिस्मती से हमारे यहाँ ये मार्किंग हुई हुई है, आपके कच्चे का इलाका अंग्रेज़ के ज़माने में मार्क हुआ था और अभी भी वो मार्किंग जो है वो मौजूद है, नक्शों में पाई जाती है। आपने उसके बीच में एनक्रोचमेंट्स नहीं करनी। तो जब पानी अपने रास्ते के बीच में आता है तो आने के बाद वो थोड़ा बहुत फैलता है और फैलने के बाद वो निकल जाता है। अच्छा, हो गई ना, अगर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल फ्लड आए जी तो वो अपने रास्ते से जो उसके मार्क है नॉर्मल मार्क है उनसे थोड़ा सा मजीद बाहर आता है, और उसके लिए आप फ्लड रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। फ्लड रिस्क मैनेजमेंट में आप लोगों को बताते हैं कि वो एक रिस्क जोन में है। पहली चीज कि लोगों को जब पता होगा कि वो रिस्क जोन में है तो उनका फ्लड के दिनों में बिहेवियर वो पहले से मुख्तलिफ होगा। अगर मुझे पता है कि मेरे घर में सैलाब का पानी आ सकता है तो मैं फ्लड के मौसम में अपने घर की जो नीचे वाले जगह हैं, जो निचले वाली मंजिल है या अगर बेसमेंट बनी हुई है, तो मैं उसमें से वो कीमती चीजें निकाल के ऊपर रख दूंगा जो फ्लड से मुतासिर हो सकती है। मैं रात को बेसमेंट में नहीं सोऊंगा, जो मेरी जो मैं बेसमेंट के बीच में जो मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम लगाता हूँ या इस तरह की चीज लगाता हूँ उसको मैं वाटर प्रूफ रखूंगा। तो ये चीजें जो है ये रेगुलेशंस में भी बताई जाती हैं और ये चीजें जो है वो सिटीजंस को भी बताई जाती हैं, और वो फिर जब उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं तो पानी आ भी जाए तो नुकसान नहीं होता। डॉक्टर बारी हमारे साथ हैं लाइन पे जो कि इंडस हॉस्पिटल के सरबराह हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आप जिस तरह आप देख रहे हैं क्लाइमेटी ने पाकिस्तान को हिट किया हुआ है, बेतहाशा बीमारियों के खदशात हैं, आपको क्या खदशात हैं, शहरों में क्या ये बीमारियाँ आ सकती हैं? देखिए खतरा तो आपको बताइए, एक तो सबसे बड़ी ये है कि बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का जो है ना वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो इमीडिएटली जो चीज़ें हैं जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं उनको उनको वो देना और उन रखना कि कोई बीमारियाँ फैल ना सके, जैसे कि साफ पानी उनको प्रोवाइड करना है, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जो है ना जैसे कॉलेरा का आउटब्रेक यह हो सकता है, डेंगी हो सकता है, तो होनी चाहिए। और वो पानी का सही साफ पानी देना और फिर उसके बाद प्रिवेंटिव साइड भी है, सारी चीज देखने के लिए देना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म होगा फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको मिलनी जी। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो एहतियात दे रहे हैं दवाइयों के आपके बहुत सारे, क्योंकि दूसरी जो है ना शॉर्टेजेस ऑफ मेडिसिन हो गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टोर ऐसे थे अस्पतालों के अंदर पानी चला गया, जहाँ पर हेल्थ केयर की जो सारी स्टोरेज थी वो तबाह हो चुकी है। आपकी ईपीआई का जो है ना वैक्सीनेशन वैक्सीन इसमें ज़ाया हो चुकी हैं, तो उन सबको एक वॉल फोटिंग पे काम करना होगा जो कि, और उसके लिए चीज़ें लोग कर भी रहे हैं और उसकी तैयारी भी करनी होगी। डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग अद्वियात के एहतियात दे रहे हैं, दवाइयाँ खरीद के दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें जज्बा तो डेफिनेटली है लेकिन उन्हें पता नहीं कि कौन सी वो अद्वियात है जो कि एहतियात में देनी चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ पैनाडोल के
जो बॉक्सेस हैं वो कहीं से भी, चाहे ज़्यादा कीमत में ले रहे हैं, कम में ले रहे हैं, वो दे रहे हैं, नॉर्मल कैलपॉन्स भिजवा रहे हैं, आपके ख्याल से कौन सी अद्वियात है जो कि कसरत से भिजवानी चाहिए इन इलाकों में? देखिए, एक तो ये है ना कि आप जिसको भी देना चाहें तो जो जो कि ये काम कर रही हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लें और उनके पास लिस्ट, एक ये पहले सोशल मीडिया पर जा भी रही है और लिस्ट ले लें, क्योंकि ज़्यादातर गेस्ट्रो की दवाइयाँ चाहिए होती हैं या तो फीवर के लिए चाहिए होती है, स्किन डिजीजेज बहुत हैं वो उसके लिए दवाई चाहिए, तो ये लिस्ट तो पढ़िए, खुद ना लें क्योंकि जज्बात में ना बिल्कुल करें ये, और सब जो इसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से हो, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं और इसकी वजह से जो है ना बहुत सारे मसाइल भी क्रिएट हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, खासतौर पर वायरल डिजीज में, कोविड में जो आपने काम किया, ट्रक वहाँ पर मोरू में फंसे हुए क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक है वहाँ पर कुछ कितने अरसे घंटों से। अच्छा डॉक्टर, निकल जाएंगे रोड से आके। डॉक्टर साहब, कोविड में जिस तरह आपने काम किया, सारी दुनिया ही उसकी मुतरफ है वायरल डिजीज़ में, अब एक जो मजीद वायरल डिजीज़ ख़ास तौर पर हमारे सिंध में, जैसे अभी हाइड्रोलॉजिस्ट हसन अब्बास साहब ने बताया कि पंजाब से केपीके से बलूचिस्तान से पानी उतर गया लेकिन सिंध में पानी नहीं आगे जाता, वो पानी खड़ा है, मच्छर आ रहे हैं, लोग वो पानी पीने पर भी मजबूर हैं, डायरिया, हैज़ा और इस तरह की जो बीमारियाँ फैल रही हैं, जो वायरल की मलेरिया इसकी वायरल की शक्ल इख्तियार कर रही है, इससे निमटने के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? इससे तो एक तो डेफिनेटली वो स्प्रेज वगैरह करना जरूरी है, वहाँ स्प्रेज होना है पानी को साफ देने के लिए, और उसके लिए शॉर्ट टर्म मतलब इमीडिएट चीज़ें भी हो सकती हैं जैसे कि प्योरीफाइंग टैबलेट्स हैं जो कि यूज़ हो रही हैं वहाँ पर, और उसके अलावा जो है जो बोर अंडर वाटर जो है ना बोर वहाँ हो सकते हैं और जो बहुत जल्दी हो जाते हैं, और हमने सारी चीज़ें ये डिस्कस की हुई डिस्कस हुआ था। अच्छा, को कंसंट्रेटेड एफर्ट करना चाहिए, फिर ये है कि बेड नेट्स जो है वो प्रोवाइड करना, अच्छा वो सारी मिलेगी भी नहीं तो उसके लिए दूसरे तरीके हो सकते हैं कि जो जो पर्दे हैं ये जो जहाँ से एंट्री पॉइंट है वहाँ पर ये जो बेड की जो बेड नेट्स की जो जाली होती है उसके ही पर्दे बना दें तो एटलीस्ट पूरा खानदान उस पर प्रिवेंट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया वक्त का नाम का पाकिस्तान के लिए। खवातीन और आजाद, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और आजाद, आप देख रहे हैं वेक अप पाकिस्तान, ये एक टीवी वन, न्यूज़ वन और वसेप का इनिशिएटिव है आप तक आगाही पहुंचाने के लिए कि आपका 75% मुल्क इस वक्त किस मुश्किल में पड़ा हुआ है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है। पाकिस्तान का एक और जाना माना नाम खालिद अनम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। उनके साथ हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है, एक आर्किटेक्ट है शबीर अहमद साहब, जो कि खालिद साहब के बचपन के दोस्त हैं। खालिद साहब, आप लोग क्या कह रहे हैं? हुआ ये था कि बिफोर द फ्लड हिट अस, हमारे रीयूनियंस होती हैं, हम 75 मैट्रिक हमने किया था, बैचमेट्स हमारे सब मिलके बैठे, वो भी शब्बीर ने और दोस्तों ने किया, और उसी दौरान ये अल्लाह की तरफ से आफत नाजिल हो गई। तो फिर मेरी बहन जो कनाडा में होती हैं वो मुख्तलिफ जगह पर तो अपील हो रही थी, हम कर भी रहे थे, इंडिविजुअली कर रहे थे, लेकिन वो लॉस हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो उन्होंने एक हमें नाम भेजा वहाँ से, उनका वो डिटेल शबीर बताएंगे, मेरी बहन ने कहा कि भाई हम जो कैनेडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इनको ट्रस्ट करती हैं, इंडिविजुअली कर रही हैं और आज से नहीं काफ़ी अरसे से कर रही हैं, और तुम लोग अगर कुछ कर सको तो इनके लिए उन्होंने नंबर शंबर दिया। तो फिर मैंने इनको कहा, हमारा अपना ग्रुप है, मैंने कहा यार देखो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो है, हम इंडिविजुअली तो वेस्ट, हमने कोशिश ये भी की कुछ लोगों ने कि हम निकल सकें इसमें से, यार हम अपने घर के करीब है वहाँ दे देंगे। तो शबीर ने कहा नहीं यार खालिद भाई, ऐसा करते हैं जगह जमा करते हैं ताकि एक एम्पल अमाउंट जो हमें पता तो हो ना क्या चीज़ देनी है। अभी जैसे हम आने से पहले अभी हम इनसे बात करेंगे अपने खोसा भाई से कि वो बताएंगे जिसका जो चीज़ जहाँ जानी, फिर हमने वो गैदर किया, सामान जमा किया। तो मेरे ख्याल से 2 ट्रक लोड्स अभी तक हम ज़्यादातर खोला बलूचिस्तान भेज रही हैं। अच्छा, उसमें खुराक है, पहले तो उन्होंने ही हमें लिस्ट भेजी कि इस वक्त ये चीज़ हमें ज़रूरत है, फिर उन्होंने सेकंड लिस्ट भेजी कि नहीं अब इस चीज़ की ज़रूरत है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल नोवसेस हैं, हमें तो नहीं मालूम, हम तो या तो ज़्यादातर हम हमारे जैसे ही हैं कि भाई पैसे दे देंगे या कर देंगे ये थिंकिंग के,
बट आई थिंक इसमें हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। हमने कपड़े भी दिए, हमने खाना भी दिया, गिजा भी दी, सूखा दूध भी दिया। नॉर्मल अच्छा, खुराक तो जा रही है हाँ। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुक खुराक जो है, पकी हुई खुराक जो है वो डब्बा पैक हो, लेकिन उसको वो कैसे खोलेंगे, उनके पास वो चीजें होंगी, टिन ओपनर होगा नहीं होगा, फिर वहाँ बहुत एक डिसरे की, जो लोग ऑन ग्राउंड गए हैं जो उन्होंने खबर दी है वो काफी एक बहुत ग्रिम सिचुएशन है, काफी मुश्किलात की है। लेकिन बहुत सारे इदारे जिन्होंने अपने किचन जी बिल्कुल किचन चला रहे हैं, जिन्होंने जगह जगह पे बहुत सारे लातात दाद लोगों को वो पका हुआ खाना। अय्यूब साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, अय्यूब भाई ने कहा कि खुराक तो हम पहुंचा रहे हैं और खुराक तो जरूरत है बुनियादी, वो तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अय्यूब साहब बताएंगे कि कुछ ये डायरेक्टर्स और दूसरी चीजें जो उनके उनका काम था, मोची का काम करता था, तो अभी वो क्या करेगा। अच्छा अर्शद निजामी साहब हमारे साथ है लाहौर से, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। अर्शद साहब, एक चीज जो मैं सोच रहा था और बहुत ज्यादा न्यूज में भी आ रही है, बहुत सारी खवातीन है जो हमला खवातीन है, जो जो बच्चों के जिनके यहाँ डिलीवरीज होने वाली है, एक दो डिलीवरीज हुई भी है इस तरह के इलाकों में, उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए क्या प्रोसेस हो रहा है? देखिए मैं ऐसा करूं जी, पहले तो मैं अय्यूब खोसा साहब की बात के साथ थोड़ा सा, मतलब मेरे महबूब रीडर भी हैं और फनकार तो खैर हैं ही हैं, दुनिया इनको जानती है, मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये कि उन्होंने जो ये फरमाया कि इस वक्त वक्त है रिहैबिलिटेशन से भी पहले का जिंदगी बचाने का, आई एग्री। और फिर इन्होंने जो जो ताजरों की और ये सारी गुफ्तगू, उसके लिए अगर थोड़ा सा मुझे आप इजाजत दें, इट मे साउंड मतलब डिफरेंट वे ना थोड़ा सा, लेकिन ये जरूरी है कि ताजर तबके लिए भी इन्होंने कहा कि अगर पता चले दो दिन के बाद क़यामत आने वाली है तो जायनमाज और ये भी महंगे कर देंगे। तो मैं एक फिलोसोफर की आपसे बात शेयर करना चाहूंगा कि साइकी ऐसी है कि अगर उनको ये कह दिया जाए कि आपको फांसी दी जाएगी तो कहेंगे बेहतर, लेकिन रस्सी मेरी दुकान से खरीदना देने के लिए, एक ये माइंड सेट है। एक मैं आपसे शेयर करूंगा एक मतलब बहुत बड़ी कि इंग्लैंड के अंदर देयर वाज अ टाइम व्हेन दे टॉक्ड अबाउट, और एक उनवान के लिए कि फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, इसके ऊपर ऐसे लिखे गए बड़े मजामीन शाये हुए। एक अय्यूब खोसो साहब जैसा दीवाना आदमी था, उसने एक कहा कि जनाब फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी नहीं, उसने एक आर्टिकल लिखा पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी। उसने दुनिया के अंदर ये ग्लोबल एक चेंज फिर लेके आया, और जो सरमायादाराना ज़हनियत है, इट वॉज अगेंस्ट ऑल द प्रोसेस। और मैं समझता हूं कि एक पंजाबी के अंदर कहा जाता है कि हड्डां दी गुरबत, एंड इट इज प्रैक्टिकल इफेक्ट कि दे गेट देयर बेनिफिट्स और ऑल दैट, जैसी चीजें भी उसके साथ हो सके दे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इन हम्बल कैपेसिटी अभी कराची के साथ में देख तब इस वक्फे के दौरान कि हमारे कराची के दोस्त जो है सिंध के अंदर जाके, और हमारी चूंकि ब्रांचेस जो है तहसील लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मौजूद हैं, तो अभी हमारे इंडस हॉस्पिटल के बारी साहब जो कह रहे थे कि अद्वियात बीमारियां शिमारियां ये वो, स्टेट इज ओवर देयर, गवर्नमेंट इज देयर, एक हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिफाइड किस्म के निजाम की जरूरत है कि अपने तौर पे नहीं कि जहां तक मैं जाता हूं वहां जाके तकसीम करके आ जाऊं और समझूं कि मैंने अपने जन्नत के अंदर अपना घर बना लिया। इस माइंडसेट से एक थोड़ा सा बाहर निकल के एक कलेक्टिव विजडम के तहत अंडर वन कमांड अब जब करेंगे, तो मैं लाहौर की आपसे शेयर करूं, अभी पता चला कि हमने चाहा जी के आटा चाहिए, मतलब बलोचिस्तान में भी कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के अंदर के आटे की, और हम बिलीव ये करते हैं कि लोगों को भिखारी ना बनाओ, गिव देम द टाइम कि वहां पे जाके चटाइयां दो, वहां पे चूल्हे उनको दो, ताकि काम काज करें। नफ्सियाती मसला सबसे बड़ा मर्ज है जो कि इंसान के अंदर, और फारिग रहने वाले को तो सूझती यही चीजें हैं कि दिमाग के साथ प्रेशर और डिप्रेशन जो है वो सारा वहां पे आएगा। वट वी ट्राइड कि हमने चाहा कि हुकूमत से हम आटा ले लें, पता चला जी कि हुकूमत के रेट्स और प्राइवेट रेट्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अब हमने जो है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमारे अजीमुद्दीन जाहिद, डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद जो कि इंचार्ज है कैलेमिटीज और सारे सूरत हाल की कमेटी के लिए पीएमए लाहौर की तरफ से, हमने अपनी गंदम खरीदी, जाके लाहौर से कोई 20-30 किलोमीटर दूर जाके उसको पिसवाया चक्की के साथ, हमने अपनी उनकी पैकिंग की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कल नहीं है तो परसों जाके इन इलाकों के अंदर, और जैसा अभी शेयर कर रहे थे कि नीड बेस्ड कि कहां पे किस चीज की जरूरत है, मैं आपसे शेयर करूं कि बलोचिस्तान डीजी खान राजनपुर का एक इलाका जहां पे कि 7-7 फुट जो है पानी जो बहा के लेके चला गया, तो उसके अंदर वो इलाके पड़े हैं कि जहां पे मतलब हुकूमती जराए भी नहीं पहुंच पा रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों के जब वहां पे काम कर रहे हैं
उनके तवस्सुत के साथ वहां पहुंचने की खातिर ये चीजें जो है हम लोग वहां पे भेजेंगे और चीज करेंगे। एज फॉर एज द हेल्थ फैसिलिटीज आर कंसर्न, द मेडिकल फैसिलिटीज आर कंसर्न, अभी जाके हम खैमा बस्तियां भी जो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि खैमा बस्तियां वहां पे कायम की जाएं, लोगों को रहने का अच्छा या बुरा यकीनी तौर पे ये एक मतलब क्यामत की घड़ी है और उस क्यामत की घड़ी के अंदर हम समझते हैं और जो मतलब एक जरूरत भी है सेफ ड्रिंकिंग वाटर जितना मुमकिन हो सके। अब एक गोली आती है, अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि पानी की बोतलें हम वहां पे पहुंचा सकें। पहले जब आया था इसी तरह से 2010 का तो हमने वहां पे नलके और डीप वाटर पंप जाके लगा दिए थे, लेकिन अभी हम जो कोशिश कर रहे हैं कि एक गोली आती है जो कि पानी को थोड़ा सा कदरे बेहतर करती है पीने के पानी को, और साथ सर्टनली कि अगर मतलब वी कैन प्रोवाइड देम द सेफ ड्रिंकिंग वाटर बच्चों। और एक मैं आपके तवस्सुत के साथ मेरे दोस्त कि हमारा मेल डोमिनेंट सोसाइटी और हम सोचते भी इसी नजर से हैं। हमारी एक सोशल वर्कर हमारी बहन ने बच्ची ने जब मुझे ये कहा कि वहां पे बच्चियां भी हैं और उनके लिए ऐसे भी हैं जाके बच्चों के साथ पैड्स चाहिए, सैनिटेशन की चीजें चाहिए, तो मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि उन हजरात से मतलब अगेन आई कम टू खोसा साहब ही कि ये भी एक रखना चाहिए कि जो सिविलाइज तरीके हैं कि उनके साथ बच्चियों की भी चीज देखें और उसके साथ करें। एज फॉर एज हमारी यहाँ पे जो छोटी मोटी हो सकती है हम शेयर कर रहे हैं, वी बिलीव कि हमारा जो उनके साथ होना चाहिए एक कोऑर्डिनेशन के अंदर काम होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन के अंदर रह के जब हम काम करेंगे तो बेहतरी होगा। एक ही काम अगर हर बंदा ही करता जाएगा तो यकीनी तौर पे उसके साथ जो है मतलब वेस्ट भी होगा सारा। और मैं अपने डॉक्टर साहब के साथ भी पानी के ज़िया और उसके साथ एक नेचुरल फिनोमिना है, एक मैं इसके लिए भी थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि ये नेचुरल फिनोमिना है कि कुदरत 30-40 साल के बाद एक बारिशों का सिलसिला या सैलाब का सिलसिला, और जैसे कहा कि 1929 के अंदर भी आए, 1973-74 का मेरी उम्र के लोग जानते हैं जब हम कदरे जवान हुआ करते थे तो उस वक्त का भी हमें याद है कि यहाँ पे कैसा आया। फिर बाद के अंदर जो डॉक्टर साहब ने तस्करा किया कि मंगला डैम के स्पेल खोले गए और जेहलम और इन बस्तियों के साथ जैसे 1994 का टाइम था ये, तो वहां पे कैसे आके ये सैलाब है, तो ये सूरत हाल तो होती रहेगी। मेरा मानना ये है कि वाई वी पीपल लाइक टू लिव इन स्टेट ऑफ एमरजेंसी, ये सारी चीजें जो है हुकूमत की तरफ से जो हमारे साथ इदारे मौजूद हैं। आई एम नॉट क्रिटिकल टू एनीबॉडी, मैं क्रिटिकल हो नहीं सकता मेरे प्रोफेशन की वजह से, बिल्कुल ठीक है, सोशल वर्कर मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन इसके साथ साथ हमें चीजों को हिस्टोरिकली रियलाइज करना भी बेहतर है ताकि हम मंसूबा बंदी जो बेहतर तरीके से, बिल्कुल ठीक है। माहिर माशियात आबिद सुलेरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सामने को आबिद साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब साहब आप देख रहे हैं जो इतना बड़ा नेचुरल डिजास्टर हुआ है पाकिस्तान के साथ, आपके क्या ख्याल है माशियत कितने अरसे तक बहाल होंगी, आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल? जी इसके दो तीन जो इम्पैक्ट है वो तो फौरन आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। पहला तो महंगाई का है, जिस तरीके से स्पेशली गजाई अजनास एक तो स्पाइक डिस्टर्ब हो गई है, हमने देखा वो प्याज टमाटर तो जस्ट एक सिंबॉलिक है, असल चीज जो है वो आएगी गंदम की फसल। सिंध में अगर आप देखें तो गोदामों में जो पड़ी हुई गंदम थी वो जाया हो गई है, इसी तरीके से इरी चावल की तैयार जो फसल थी वो पानी के अंदर आ गई, अगले साल गंदम की काश्त जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। तो ये तो एक इसका है जो फूड सिक्योरिटी पे जो आएगा। उसके अलावा हुकूमत ने अपने तमाम जो रिसोर्सेज थे बजा तौर पर वो रिहेबिलिटेशन के लिए रिलीफ के लिए डाइवर्ट कर दिए, तो जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट की जो स्कीमें थी वो उससे मुतासर हो रही होंगी, जिसकी वजह से अगेन सोशल सेक्टर पे भी इम्पैक्ट आएगा और उसकी वजह से जो एक लोगों को रोजगार का मिलना या गवर्नमेंट की स्कीम्स में मुलाजमतें मिलना वो इफेक्ट हो रहा होगा। और तीसरा और असल चीज जो है वो आपकी जो इस वक्त इनिशियल डैमेजेस हैं वो तकरीबन 12-12.5 बिलियन डॉलर का तखमीना इस वक्त लगाया जा रहा है और ये अभी एक टेंटेटिव फिगर है। अगर जब फाइनल नंबर जब आता है तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कितना बड़ा डिजास्टर था और इसको रिकवर करने में देखिए कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि लोकल कम्युनिटी सेल्फ हेल्प बेसिस पे फौरन कर लेंगी, यहाँ पे सड़कें टूटी हैं, यहाँ पे कोई नहरों में शिगाब पाए हैं, घर हैं, तो अगर हुकूमत नहीं भी पहुंच रही है तो वो उन लोगों को वहां पे कुछ ना कुछ अपनी मदद आपके तहत जरूर कर लेंगी, लेकिन उसको कैसे परमानेंट बना दो कैसे सॉल्व करते हैं ये अब महीनों का नहीं ये सालों का प्रोजेक्ट बन जाएगा। हमने देखा था 2010 में भी जब पुल तबाह हुए थे सवाद कलाम में तो कई साल लग गए थे उस सड़क को बनने में और वहां पे ब्रिजेस को दोबारा बनने में। अब भी हमें ये देखना है कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन है इसकी ये टाइम लेगी
अगर हम देखें इस वक्त अपनी डिमांड को देखें, डिमांड में कमी आई है। आपने देखा कि एक मारूफ सरिया बनाने वाले, उन्होंने स्टील कंपनी उन्होंने बंद कर दी कि जिस सैलाब की वजह से इस वक्त डिमांड नहीं है। 19 सितंबर तक उन्होंने अपने प्लांट बंद कर दिए। इसी तरह से एक ट्रैक्टर बनाने वाली बड़ी मारूफ कंपनी है, उन्होंने ट्रैक्टर अपना प्लांट शट डाउन कर दिया कि जी सड़कें टूटी हुई हैं और उनकी सप्लाई जो है वो डिलीवर नहीं हो सकेगी, तो बेहतर है कि प्लांट को बंद कर दिया जाए। तो ये सारे वो इस वक्त छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में इकोनॉमिक लॉसेज हैं, जो कि जब आप इनको उस तस्वीर को जोड़ेंगे छोटे छोटे इन पीसेस को जमा करके, तो आपको पता चलेगा कि हमारी GDP का जो हमने रखा था टारगेट, वो तकरीबन 1.5 से 2% मिस हो रहा होगा सिर्फ इन सैलाब की वजह से। डॉक्टर हसन अब्बास माहिर अभियात हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इशू है हमारे यहाँ। अब यूरोप में तो उन्होंने नहरों के रुख मोड़ दिए हैं, अब तो सैलाब भी आ चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने ये रिवर बैंक्स के ऊपर बिल्डिंग और घर खड़े कर दिए, अब आप क्या देखते हैं, क्या चेंजेस आनी चाहिए? लेसन लर्न हमें देखना है कि पिछले सैलाबों से हमने कुछ नहीं सीखा। वही देखिए कि एक 2010 के बाद एक फ्लड कमीशन ने, फेडरल फ्लड कमीशन ने एक फ्लड प्रोटेक्शन प्लान बनाया, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। 2013 में वो बनना शुरू हुआ, 15 में मुकम्मल हुआ, 17 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने उसको पास किया, 19 में उसके अम्ब्रेला PC1 जो है वो प्लानिंग कमीशन में आ गए, और उसमें ये तमाम चीजें जो थी जो कि आज हमें मुतासर कर रही है उन सब का जिक्र है। उसमें रिवर एक्ट का जिक्र है कि दरिया के किनारों पे और दरिया के अंदर रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगाई जाए, इसको रेगुलेट किया जाए। उस पर रोड को नालों का जिक्र है, वो सलमान के किस तरीके से सैलाबी पानी वहां पे आता है, और उसके आगे अगर आपने अनप्लान कंस्ट्रक्शन की होगी तो पानी रुकेगा, सैलाब आएंगे, उनको पुख्ता कैसे किया जा सकता है। उसमें इस चीज का जिक्र भी है कि हमारे जो दरिया है उनके बंद कहाँ कहाँ से तोड़े जाए, क्योंकि अक्सर एक शिकायत आती है जी फ्ला इन्फ्लुएंशियल की जमीनें बचाने के लिए बंद जो है वो बस्ती की तरफ तोड़ दिया गया और बस्ती पूरी डूब गई, और उसमें कम्युनिटी के साथ कैसे काम करना है, अवेयरनेस कैसे लानी है, इसका जिक्र भी है। उस इस चीज का भी जिक्र था कि लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को कैसे स्ट्रेंथन करना, और आपको याद होगा DDMS के बारे में साना मरी के बाद जो सर्दियों में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनको एक्टिव किया जाए। सबसे पहला जो रिस्पॉन्स है वो जिले लेवल पे आता है, उसके बाद फिर आपका सूबा और आपका जो वफाक है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि जिले लेवल पे इस तरह की चीजें जो है वो मार्ज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो सारा का सारा प्रेशर जो है वो आपके फेडरल लेवल पे आ जाता है, और वहां पे भी मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। हसन अब्बास साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? डॉक्टर हसन अब्बास के लिए है मेरी जी, मैं कह रहा था कि ये अभी फेडरल फ्लड कमीशन की रिपोर्ट वगैरह का भी जिक्र हुआ और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो की गई, लेकिन हमारा जो है ना थोड़ा सा जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ हैं। मसलन फेडरल फ्लड कमीशन ने ये तो कह दिया कि एनक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एनक्रोचमेंट्स जो है वो फ्लड की वजह नहीं है, वो फ्लड ये इसका सिम्टम है, उसके पीछे वजह कुछ और है। वजह यह है कि हमने अपने जो दरिया हैं उनके बीच में से डैमिंग और डाइवर्जन्स के जरिए बहुत ज्यादा पानी हम निकाल देते हैं या रोक लेते हैं, उससे 20-25 साल तक 10-15 साल तक कोई छोटा फ्लड भी नहीं आता, लेकिन फिर जब आता है तो बहुत बड़ा होके आता है। अब जब आपका 20-25 साल तक दरिया के बीच में पानी नहीं आएगा तो वो लोगों को एनकरेज भी करता है, फैसिलिटेट भी करता है और ल्योर भी करता है कि वो दरिया के बीच में आके कंस्ट्रक्शन करें, और फिर जिस वक्त फ्लड आता है तो उसकी वजह से नुकसान ज्यादा बढ़ता है। तो बेसिकली हमने सिम्टम्स को नहीं, हमने कॉजेज को एड्रेस करना है, और जो कॉजेज को एड्रेस करना है उसके लिए हमें बड़ी लॉन्ग टर्म और दूरअंदेश प्लानिंग की अब जरूरत पेश आ रही है। ये बार बार जो फ्लड्स आ रहे हैं, 2010 में आया और अभी आया, ये हमें बता रहे हैं कि भाई अब आपका जो है ना वो जो शायद 20-25 साल के बाद एक फ्लड आता था वो शायद हर 10 साल बाद 5 साल बाद आएगा। देखिए कराची में पिछले साल भी बारिशें हुई, 2020 में हुई, फिर 2021 में हुई, अब 2022 में और ज्यादा हुई, तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है क्लाइमेट चेंज की वजह से ये इन इवेंट्स की बढ़ रही है। अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम
अपने पुराने मॉडल के ऊपर चलें। अब उसके लिए जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमने अपने इन मॉडल्स को रीथिंक करना है, रीथिंक करके हमने नए डेवलपमेंट मॉडल्स लेके आने हैं। लेकिन नए डेवलपमेंट मॉडल लाने का मतलब ये नहीं है कि आपने जितने बंद बैराज और कैनाल बनाए हैं आप एक ही दिन में बुलडोजर लगा के उनको तोड़ दें। नहीं, हमने बतदरीज पुराने सिस्टम को फेज आउट करना है और नए सिस्टम को फेज इन करना है। और उसका तरीका यह है कि सबसे पहले जो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज हैं हमने उनको चेंज करना है। जो पुराने मॉडल्स हैं हमारे, पुराने मॉडल्स हैं मेरी पर्टिकुलर मुराद डैम्स, बैराज और डाइवर्जन कैनाल्स हैं, जो आपके पूरे के पूरी हाइड्रोलॉजी को, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से लेकर रिवर हाइड्रोलॉजी तक, जिन्होंने उसको नेचर को जो है वो बिल्कुल ऊपर से नीचे टेस्ट टेस्ट कर दिया। हमने इसको रिकवर करना है, यानी ये तीन जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हमने बतदरीज रिप्लेस करने हैं। और इनकी रिप्लेसमेंट मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट में है। दुनिया में डैम्स इस वक्त डिसमेंटल किए जा रहे हैं, हमने कोई नई चीज याद नहीं करनी। हमने देखना है कि जहां पे डैम डिसमेंटल किया जाता है उसका क्या तरीका है, और जब डैम डिसमेंटल होता है तो जो जरूरियात हम डैम से पूरी कर रहे हैं वो हमने दूसरे तरीके से कैसे पूरी करनी है। तो हमने बतदरीज इस तरफ चल रहा है। बहुत शुक्रिया। इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी में बहुत जरूरी ये है कि अब हम पुराने मॉडल्स के ऊपर पैसा लगाना बंद करें और नया मॉडल सोचने के बाद जो भी नई इन्वेस्टमेंट है वो नए मॉडल के ऊपर हो। पुराने को हम सिर्फ इसलिए रखें कि जब तक वो चल रहा है वो चले, और उसके बाद में जैसे उसकी रिप्लेसमेंट आती है हम नई इन्वेस्टमेंट के साथ उसको रिप्लेस करते जाएं। बिल्कुल सही कहा, कि बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अयूब साहब क्या कहते हैं? पता है, अब बहुत सारी चीजें जो है ना वो एक तरह से जमा हो गई यहाँ पे। आप वाटरवेज की बात भी कर रहे हैं, आप डैम्स की बात भी कर रहे हैं, आप मौसियात की बात भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात भी कर रहे हैं। देखिए, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे अगर हम जाते हैं, जो हमारी खरीफ की फसल है, खासतौर पे अगर मैं सिंध और बलोचिस्तान में, जब नसीराबाद डिवीजन है वो टोटली लॉस हो गया, यानी उसके ऊपर जो चावलों की फसल, हम जो मेन ग्रोवर्स हैं यहाँ पे नसीराबाद डिवीजन में या हमारे जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये मेन ग्रोवर्स जो हैं वो राइस के हैं। अब राइस की टोटल इन्वेस्टमेंट लोगों की, जमींदारों की, छोटे काश्तकारों की, बड़े काश्तकारों की उसमें जा चुकी है, या उनका सिर्फ एक ही यही जरिए मुआश है, वो टोटली अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब वो कैसे रिकवर होंगे, वो किस तरह से रिकवर होंगे? वो एक आटे की थैली से रिकवर नहीं होंगे, वो एक घी के डब्बे से रिकवर नहीं होंगे, वो एक दवाइयों के छोटे से पैकेट से रिकवर नहीं होंगे, या वो एक आपके खेमे से जो 10-8-10 हज़ार रुपये का आप एक खेमा देके और बोलेंगे कि जनाब मैंने जन्नत में जगह बना दी है, इसमें जन्नत में जगह नहीं बनेगी। ये काम है रियासत का कि वो उसने उसको कैसे प्लान करना है। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जनाब अब ये रबी, आपके पास एक बहुत बड़ा चांस है कि आप रबी, क्योंकि आपके पास गंदम की बुवाई जो है ना वो नवंबर में हमारी एरियाज में शुरू हो जाती है, और अगर ये पानी सिल्ट लेकर आया है तो ये एक तरह से अल्लाह पाक की तरफ से आपको एक रहमत हो, एक रहमत हो गई है। आपने उसको यूटिलाइज कैसे करना है? देखिए, अब लोगों के पास, काश्तकार के पास पैसा नहीं है कि वो ट्रैक्टर लेकर आए, उसमें वो महंगा तेल डाले, फिर वो जमीन को वापस लेवल करे, हल चलाए, बीज डाले, फर्टिलाइजर डाले। और फिर आपका जो कैनाल सिस्टम है, ये अंग्रेज गोरा हमें देकर गया, हम पे एहसान करके गया, हम अभी तक उसी एहसान पे ही चल रहे हैं। हमने दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया, उसको रीडिजाइन नहीं किया, उसको मजबूत नहीं किया। हमारे वाटरवेज जो है, अगर हम बलूचिस्तान के जो हिली एरियाज हैं, माउंटेनियस एरिया, हम उस पर छोटे छोटे डैम बनाए, क्योंकि डैम बनाना सबसे अच्छा है ठेकेदार के लिए। वो कहते हैं कि जनाब मट्टी डाल दी, पत्थर डाल दिए। सॉरी टू कट यू, एक ब्रेक हमें लेना है। खवातीन और हज़रात, वेक अप पाकिस्तान जारी है, यही से शुरू करूंगा मैं। बिल्कुल, हमें एक छोटा सा ब्रेक मिलता है।